हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? ऑसम स्टार्टिंग, ऑसम स्टार्टिंग। आईडीएफ ने खेला कर दिया, बंगाल में बीजेपी ने किया हो ना किया हो, आईडीएफ ने पैलेस्टीन में खेला कर दिया। ओके, कैसे हैं आप लोग? बैडली रेनिंग। हेलो स्टाइल भाई, हेलो राहुल अग्रवाल, क्या हाल है आप लोगों के? राधिया कह रही है, लॉल स्टाइल लग, आई थॉट यू आर सेंसिबल पर्सन, जस्ट बिकॉज इजराइल इज किलिंग मुस्लिम्स यू आर सपोर्टिंग देम, व्हाट अबाउट द मिलियन ऑफ फिलिस्तीन पीपल दे हैव किल्ड एंड किलिंग इनोसेंट पीपल। आई काइंड ऑफ न्यू कि समवन विल कम एंड ट्राई टू गिव इट अ रैशनल और अ थिंग कि सिर्फ मुस्लिम्स मर रहे हैं इसीलिए इजराइल का साइड लिया है मैंने। अब पहली बात तो ये, अभी तो वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये बोला है कि आई स्टैंड विद इसराइल। क्यों स्टैंड करता हूँ अभी बोला भी नहीं है, बट उसके पहले ही लोगों ने ओपिनियन बना दी। बट कोई बात नहीं, रा दिया जी पूरा वीडियो देखो, मे बी जस्ट मे बी शायद जो हिस्ट्री है अगर आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग फेसबुक पे भी ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जिनकी जितनी उम्र है 25, 30, 35, 40 साल की, उतनी ही उनकी नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में। दैट इज द मेन प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग वेदर me, you, whoever stands with Palestine or Israel, ठीक है। सो उसके बारे में मैंने उन फेसबुक पे लोगों को बोला कि अगर जानना है थोड़ा, अगर अपना ज्ञान 30-40 पुरानी, 40 साल पुरानी हिस्ट्री से हटके अगर पीछे तक जाना है तो वीडियो को देखना। आई होप कि वो लोग आए हो, नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, उनको उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुबारक। और राधिया जी, आई होप कि आप भी इस वीडियो को देखेंगी और होपफुली यू आर गोइंग टू सी इट एज अ अनबायस्ड थिंग, नॉट जस्ट एज अ मुस्लिम। क्योंकि अगर आप सिर्फ एज अ मुस्लिम देखेंगी फिर तो भाई हिंदुस्तान थोड़ा कंप्लेन आपसे भी कर सकता है फिर, ठीक है। बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा, पहले ही बता देता हूँ। आज का पार्ट जो है वो थोड़ा हिस्ट्री बेस्ड है कि क्यों इंडिया स्टैंड विद इसराइल एंड आई स्टैंड विद इसराइल। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे होपफुली कल या परसों, दैट विल हैव अ लिटिल डिटेल्ड थिंग अबाउट व्हाई इंडिया का कनेक्शन और इंडिया का स्टैंड मेक्स सो मच ऑफ डिफरेंस इन व्हाई इंडिया इज टेकन दिस पर्टिकुलर स्टैंड्स। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला कि 30-40 साल पुरानी हिस्ट्री में नहीं, उसके पीछे जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी, एक स्टोरी जो राधिया जी जैसे लोग और ऐसे 30-40 साल पुराने वाले लोग जिसके बारे में बात करना नहीं चाहते, और मे बी अगर पता भी हो तो शायद एक्सेप्ट नहीं करते। एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल लाइक मी कम एंड टॉक अबाउट द हिस्ट्री दैट पीपल लाइक यू मे बी हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, या थोड़ा उसके बारे में नॉलेज कम है, या पता नहीं है, या इंटरेस्ट नहीं था एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, आपको उसका आइडिया नहीं है, तो आपको बताया जाए। लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री। और स्टोरी क्या है, स्टोरी सुनाता हूँ आपको। ओके, स्टोरी ये है कि इब्राहिम, और इब्राहिम जो भी बोल लो कि जो वाइफ थी उनका नाम था सैरा। सैरा के और इब्राहिम जी के कोई बच्चे नहीं थे, बच्चा नहीं हुआ था, तो इब्राहिम ने सैरा की परमिशन के साथ अपनी एक स्लेव जिनका नाम बाजरा था उससे शादी कर ली बच्चों के लिए। ओके, और उसे इस्माइल के नाम से एक बच्चा भी हुआ, ठीक है। सो स्लेव हाजरा के नाम, हाजरा जिनसे इब्राहिम और इब्राहिम ने शादी की, उनका इस्माइल के नाम से एक बच्चा हुआ। सैरा को बच्चा नहीं हुआ इसलिए वो दुखी रहती थी। एक दिन जबरील नाम का एक फरिश्ता आता है, ठीक है, उसके पास आया और उसने बोला कि तू दुखी मत हो, रो मत, तुझे भी एक बच्चा होगा। अब सैरा की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उसने उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा होगा, पर हुआ, फरिश्ता आया था तो आइसेक नाम का एक बच्चा हुआ। इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट टेक दिस नेम्स एवरी डे। तो आइसेक नाम का एक बच्चा हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू अब्राहमिक हिस्ट्री बोथ वेयर प्रॉफिट इस्माइल एंड आइसेक, ठीक है। आइसेक की आगे की जनरेशन में और भी प्रॉफिट हुए, जैसे कि याकूब जिनको जुडेज्म में जेकब बोला जाता है, दाऊद जिनको जुडाइज्म में डेविड बोला जाता है, और मूसा जिनको जुडाइज्म में मोसेस बोला जाता है। बट इस्माइल की जो लीनियज थी उसमें बहुत टाइम बाद सिर्फ एक प्रॉफिट हुआ जिसका नाम हुआ मोहम्मद।
जीयस की रिलीजियस जनरेशन आइसेक से है और मुस्लिम्स की जो है वो इस्माइल से है, ठीक है। बोथ आर अब्राहमिक रिलीजन, वन फ्रॉम वाइफ सारा, अनदर फ्रॉम द स्लेव होम अब्राहम मैरिड एंड जिसका नाम हाजरा था, जैसा ही मैंने आपको बताया, ठीक है। सारा हाजरा को घर से निकाल देती है, कहानी घर घर की। देन हाजरा जो है वो जाती है मक्का इस्माइल के साथ। नाउ सिंस अरब इज अ डेजर्टेड एरिया, धूल मिट्टी पसीना जैसे लगान में बताते हैं, वैसे अरब में डेजर्टेड एरिया था, तो हजरा वहां पे पानी ढूंढ रही थी और पानी ढूंढने के लिए पहले वो गई सफा माउंटेन जहां पे उसको पानी नहीं मिलता, ठीक है। फिर वो जाती है मारवा माउंटेन जहां उसको पानी नहीं मिलता। जब दोनों जगह उसको पानी नहीं मिलता तो जिब्रिल आता है, जिब्रिल आता है और उसे कहता है कि जहां तुम्हारा बेटा इस्माइल अपने पैर रगड़ रहा है उसी जगह पानी है। जमजम के पानी की कहानी शुरू होती है यहां से, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्टिंग थिंग। जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी आइसेक की लिनियज है। आज का जो ज्यूज और इस मुस्लिम्स के बीच की लड़ाई है वो असल में इब्राहिम की दो बीवी के बच्चों ने जो रिलीजन शुरू किए उसकी लड़ाई है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट द रीजन कि एक्चुअली में लड़ाई क्या चल रही है इसराइल में, इसराइल और फलस्तीन के नाम के जो लोग हैं ज्यूज एंड मुस्लिम, उसकी फाइट क्या चल रही है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक हिस्ट्री चार रिलीजियस बुक्स हुई, जबूर फ्रॉम दाऊद, तौरात फ्रॉम मूसा, बाइबल फ्रॉम जीसस एंड कुरान फ्रॉम मोहम्मद। Jews believe in Ibrahim to Hanani, total 48 prophets, and Sarah to Esther, total seven prophetesses, ठीक है, जो फीमेल होती हैं। Christians believe in Ibrahim to Jesus, and Muslim believe in Ibrahim to Muhammad. For Jews, Hanani was the last prophet, and for Christian, Jesus was the last prophet, and for Muslims, मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट। नाउ ज्यूज का प्रॉब्लम ये था कि वो जीसस में यकीन नहीं करते थे, एंड क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम ये था कि वो मोहम्मद में यकीन नहीं करते थे। तो बेसिकली लड़ाई ये है कि मेरा वाला प्रॉफिट लास्ट है, तुम्हारा वाला नकली है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन, जेरूसलम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ज्यूज एंड क्रिश्चियन। ऑल केम फ्रॉम इसराइल। जीसस वॉज बॉर्न इन बेथलहम नियर जेरूसलम, अगर मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन सही से बोल रहा हूँ, एंड दैट इज वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर क्रिश्चियंस ऑल्सो, ओके। वेयर इज मोहम्मद वॉज बॉर्न फ्रॉम और इन मक्का। सो जेरूसलम इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, बट मुस्लिम्स जेरूसलम को क्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि किबला नमाज करते टाइम जिस तरफ मुंह करते हैं बेसिकली वो मक्का से पहले जेरूसलम होता था, इसलिए जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद को कभी आप अगर आपने देखा हो तो किबले वाली मस्जिद भी कहते हैं। नाउ सिंस ज्यूज एंड क्रिश्चियंस डिड नॉट एक्सेप्ट मोहम्मद इज प्रॉफिट एंड डिड नॉट प्रेज इस्लाम, दैट्स व्हाई मोहम्मद टू ज्यूज एंड क्रिश्चियन एज एनिमी। फॉलोइंग सुन्नत इज वन ऑफ द फॉर्मोस्ट पार्ट ऑफ इस्लाम, दैट्स वाई इवन टूडे अगर आप देखो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो ज्यूज से नफरत करते हैं, दैट्स अ गिवन फैक्ट, ठीक है। ये कोई मैं अपने मन से कहानी बना के नहीं बोल रहा, जो फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो है कि मुस्लिम्स हेट ज्यूज, देयर इज नो हाइडिंग बिहाइंड इट, एंड ऑल थ्री रिलीजन्स ऑफ इब्राहिम क्लेम्स जेरूसलम। बट इफ यू सी हिस्टोरिकली, अगर हिस्ट्री में जाके देखो तो जेरूसलम एक्चुअली बिलोंग करता है ज्यूज को, ठीक है। दे आर द रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ इसराइल और उनका उनका और सिर्फ उनका हक बनता है जेरूसलम के ऊपर। फिफ्थ सेंचुरी में बख्त नासर किंग ऑफ उस टाइम का जो बेबीलोन, नॉट इराक, बेबीलोन जो था, उसने इन्वेड किया था इसराइल और वहां से ज्यूस को मार मार के भगाया और जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको गुलाम बना दिया और उनसे जजिया लिया। उनके पहले रोमन्स ने बहुत मारा, बहुत पेला और अपनी जमीन से निकाला, जैसा कि हिंदुस्तान में हुआ, कई लोगों को छोड़ छोड़ के इंडिया भी छोड़ छोड़ के जाना पड़ा और इंडिया में भी जितने अटैक हुए वही उसी टाइप के इन्वेजन्स हुए, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में हुआ, मुस्लिम्स के द्वारा हुआ, एंड ऑल दोस थिंग्स। बाद में थोड़े थोड़े लोग वापस आने शुरू हुए, ठीक
है, जैसे अभी थोड़ी फाइट चल रही है ना, जैसे कश्मीरी कश्मीरियों का जो अक्सर हुआ था कि कश्मीरी इसको वापस से रिहैबिलिटेट करो, उसी तरीके से ज्यूज ने इसराइल में वापस आना शुरू किया, और फिर सलाउद्दीन अयूबी ने इन्वेड किया फिर से, फिर इसराइल को फिर से गुलाम बनाया, और फिर ब्रिटिश रूल के टाइम पे उनको ज्यादा फ्रीली वहां रहने दिया गया, थोड़ी सी फ्रीडम मिलनी शुरू हुई। आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन इसराइल में मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। ऑब्वियस था कि अगर आप इन्वेजन करोगे, अगर आप ज्यूज को मार मार के भगा दोगे, जो 100 लोग थे वहां पे, अगर आप 80 लोगों को मार देते हो, सिर्फ 20 लोग रह जाते हैं, और उन 80 को आप अपनी पॉपुलेशन से रिप्लेस करते हो, तो आपका पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ना है, ठीक है, और वो पॉपुलेशन ओवर रूल और ओवर क्राउड करने लगा ज्यूज को, एंड ज्यूज ऑब्वियसली बिकेम माइनॉरिटी, जो कि आज लोग क्लेम करते हैं कि माइनॉरिटी ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, एक्सपेंशनिज्म, एक्सपेंशन का आइडियोलॉजी चल रहा है इसराइल का, बट देन अगेन एक्सपेंशन नहीं चल रहा, दे आर जस्ट टेकिंग बैक व्हाट बिलोंग्ड टू देम राइटफुली फ्रॉम द एंशिएंट एजेस। 2000 साल की एट्रोसिटीज, ठीक है, 2000 साल की एट्रोसिटीज एंड मैसेकर की हिस्ट्री में, ज्यूज फेस्टिवल में जहां भी एक दूसरे से मिलते थे, विदा होने से पहले एक चीज कहते थे, अगले साल इसराइल में, ओके, 2000 साल तक ज्यूज जहां भी गए, सिर्फ इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां पे उनको अत्याचार नहीं हुआ, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, एंड दैट इज वाई आई सेड कि एक और वीडियो बनाएंगे जो हम बेसिकली इंडिया का एंगल रखेंगे इसमें कम्प्लीटली, कि वाई इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाई इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप एंड अनसेट बॉन्ड इज सो मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू अदर नेशंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से ज्यूज भी लड़े, जैसे इंडिया की तरफ से लड़े थे, उसके बदले यूएनओ बनता है और सब कॉलोनीज को फ्री करने के लिए कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री, अब लोग बोलेंगे कि भाई जो पहले हो गया उसके बारे में अभी क्यों लड़ना एंड ऑल दिस थिंग्स, फलस्तीन तो पीस लविंग नेशन है, ये कोई नहीं देखता कि हमस का रोल क्या, हमस का रोल क्या वो भी बताएंगे अभी, बट कोई ये नहीं देखता कि भाई, ओके, लोग मुझे कह रहे हैं थोड़ा जोर से बोलिए, लेट मी नो अगर भाई आवाज ठीक से नहीं आ रही हो। एनीवेज, तो उस चीज को समझने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो बैक एंड है, बिकॉज देयर इज अ सेइंग कि कर्मा इज अ विच, आप अगर कुछ करते हो तो पलट के आपको वापस काटने के लिए आते हैं, और इस टाइम पे मेरे ख्याल में इसराइल को ये बोलना कि यू आर द कल्प्रिट यहाँ पे, वो वही है जो आप इंडिया को बोलो फिर कि भाई तुम पाकिस्तान पे अटैक, मतलब उसको उनके टेररिस्ट को मारते हो तो तुम उनको मत मारो, तुम बेसिकली पाकिस्तान के लिए बॉर्डर खोल दो, तुम अरुणाचल को चीन को दे दो, तुम अक्सर चीन के बारे में सोचो भी मत, तुम बलोच लोगों के बारे में बात भी मत करो, और तुम कश्मीर के बारे में भूल जाओ। ये वो वाला एग्जाम्पल है कि इसराइल को ये बोला जाए कि भाई तुम जेरूसलम को भूल जाओ, गाजा को भूल जाओ, और फलस्तीन के ऊपर अपने राइट को डिफेंड करने के लिए अटैक ना करो, क्योंकि वहां से गाजा से हमस जो है रॉकेट पे रॉकेट मारे जा रहा है, बट तुम कुछ मत करो, जैसा कि आपने कल मेरे एक छोटे से वीडियो में देखा जहाँ पे एक बहुत 5 मिलियन वाला यूट्यूबर कह रहा है कि अगर आपके ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक पे अटैक कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आप ही उसी वायलेंस से अटैक करें। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हमको घर में बैठ जाना चाहिए, रॉकेट ऊपर आए सब खत्म हो जाए, दैट्स ऑल इट शुड बी, ठीक है, क्लियर। सिर्फ आवाज जोर से नहीं आ रही है स्टाइल पर, ओके। तो अब आ जाओ थोड़ा सा फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा, 1900s में आ जाते हैं, ठीक है। पैलेस्टीन एक स्मॉल रीजन ऑफ लैंड है दैट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मिडल ईस्ट। छोटा सा लैंड, बहुत बड़ी हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीन हैज बीन मार्क्ड बाय वेरियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंट लैंड सीजर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हर कोई आके अटैक करता था, ब्रिटिशर्स भी आए, मुस्लिम्स भी आए, आके अटैक किया, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंस क्या है इस जगह की, सेवरल मेजर रिलीजन्स, ठीक है, और बिकॉज पैलेस्टीन सिट्स एट अ वैल्यूएबल जियोग्राफिकल क्रॉस रोड बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है, तो जियोग्राफिकली जियोपॉलिटिकली इस लोकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उससे कई बेनिफिट बन सकते हैं इकोनॉमिकली अगर वहां पे एक स्टेबल रीजन क्रिएट हो जाए। नाउ आज के जो लोग हैं, आज के जो अरब पीपल हैं, वो कॉल दिस टेरिटरी होम आर नोन एज पैलेस्टीनियंस,
एंड द पीपल ऑफ पैलेस्टीन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्रिएट अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इन दिस कंटेस्टेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि इसराइल को साफ करो, सब कुछ हमारा, ठीक है। अगर थोड़ा हिस्ट्री को कोरिलेट करना चाहो यहाँ से, ओटोमन एम्पायर को जो डाउनफॉल हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन 1948 तक की जो हिस्ट्री अगर आप देखो उसके बाद की, पैलेस्टीनियंस ने टिपिकली एक दे रेफर्ड टू द जियोग्राफिक रीजन लोकेटेड बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड द जॉर्डन रिवर, एंड अरब पीपल हु कॉल दिस टेरिटरी होम हैव बीन नोन एज पैलेस्टीनियन सिंस 20th सेंचुरी, उसके पहले से नहीं। मच ऑफ दिस लैंड इज नाउ कंसिडर्ड प्रेजेंट डे इजराइल। नाउ Palestine theoretically includes the West Bank, a territory that sits between modern-day Israel and Jordan, or Gaza Strip, जो कि modern-day Israel और Egypt के border में है, ठीक है। However, इस region के ऊपर control थोड़ा complex है और evolving है। कभी किसी के पास, कभी किसी के पास changes होते रहते हैं। There is no international consensus concerning the borders. And many areas claimed by Palestine have been occupied by Israel for years. अब लोग उसको occupied बोलते हैं, but then again they claimed back. अब अगर ये वही situation है कि India ने POK को वापस ले लिया और लोग कह रहे हैं कि India ने occupy कर लिया, ठीक है? They claimed back what belonged to them, ancient history wise, ठीक है? Muslims आए, उनके घर को लूटा, उनको मारा, उनको अपने घर से भगाया, and जब इस courageous religion ने वापस fight back किया और अपने land को claim किया, that is where the problem arose, because कैसे claim कर सकते हो भाई? More than 135 United Nations members recognized Palestine as an independent state, ठीक है? But Israel and some other countries, जिसमें हमारा चाचा चौधरी US भी है, वो नहीं मानता उस चीज को, और वो Israel को एक independent state मानता है। Throughout अगर आप history में देखो, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री देखो तो पैलेस्टीन हैज बीन रूल्ड बाय न्यूमरस ग्रुप्स, ठीक है, न्यूमरस ग्रुप्स इंक्लूडिंग असीरियंस, बेबीलोनियंस, पर्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, फैटिमिड्स, सेल्जुक टर्क्स, क्रुसेडर्स, इजिप्शियंस एंड मेमलुक्स, अगर मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ तो, ठीक है। पर आप ये देखो कि कितने लोग आए और तरक्की से, तसल्ली से बेहा गया पैलेस्टीन के एरिया को। फ्रॉम अबाउट 15,017 टू 19,017 ऑटोमन एम्पायर रूल्ड मच ऑफ द रीजन, एंड व्हेन वर्ल्ड वॉर वन एंडेड इन 1918 द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन। हर जगह पे डिवाइड करने वाला कौन? गोरा, ठीक है। The League of Nations issued a British mandate for Palestine, कि भाई a document that gave Britain administrative control over the region and included provisions for establishing a Jewish national homeland in Palestine, which went into effect in 1943, कि भाई जिसका जो हक है उसको वापस दो। In 1947, after more than two decades of British rule, the United Nations proposed a plan to divide, partition Palestine into two sections, an independent Jewish state and an independent Arab state. Just a second, guys. ठीक है, तो 1947 में, 1947 में, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि हिंदुस्तान के साथ हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई इनको बांटो रिलीजन के नाम पे, जैसे इंडिया में हुआ हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, उसी तरीके से डिवाइड किया गया इंडिपेंडेंट ज्यूइश स्टेट एंड एन इंडिपेंडेंट अरब स्टेट। नाउ द सिटी ऑफ जेरुसलम व्हिच वाज क्लेम्ड एज अ कैपिटल सिटी बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है, ज्यूज एंड पैलेस्टीनियन अरब्स, वाज टू बी एन इंटरनेशनल टेरिटरी विद अ स्पेशल स्टेटस। नाउ ज्यूइश लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया प्लान को, जैसे कि हमारे गांधी जी और हमारे हिंदुस्तान का नाम ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, वैसे ही ज्यूइश लीडर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया प्लान को। माना कौन नहीं? पैलेस्टीनियन अरब्स, क्योंकि 47 में यही हुआ था ना, कश्मीर में जो लोग वापस बाहर में घुसे थे, ठीक है, पैलेस्टीनियन अरब माना नहीं। सम ऑफ होम हैड बीन एक्टिवली फाइटिंग ब्रिटिश एंड ज्यूश इंटरेस्ट इन द रीजन सिंस द 1920s, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई हम नहीं मानते, ठीक है।
Arab groups argued that they represented the majority of the population in certain regions and should be granted more territory. कनेक्शन दिखाई दे रहा है कुछ इंडिया का जो पार्टीशन चल रहा था और इस हिस्ट्री में दे बिगिन टू फॉर्म वॉलंटियर आर्मीज थ्रू आउट पैलेस्टीन वहीं से शुरू होगा जैसे पाकिस्तान ने किया था जो उनके जो भी नाम होता है उनके जो पठान वठान आए थे कश्मीर में अटैक करने के लिए आफ्टर 1947 48 49 में जब उन्होंने घुसना शुरू किया उसी तरीके से यहाँ पे भी मेजोरिटी के नाम पे ज्यादा एरिया मांगा गया तो भाई अगर मेजोरिटी के नाम पे ज्यादा एरिया मांगा गया तो हिंदुस्तान में फिर अगर हम फिर वो बोले कि हिंदुओं को सब कुछ मिलना चाहिए था तुम्हारा तो इतना सा था तुमको इतना सा दे के छोड़ देना चाहिए था पता नहीं क्या हु इज गोइंग टू टीच देम ठीक है इन मे 1948 लेस देन आफ्टर अ ईयर नाउ कनेक्ट दीज थिंग्स टू व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया दैट टाइम ठीक है व्हाई इंडिया अंडरस्टैंड्स पेन ऑफ इसराइल क्योंकि काफी सिमिलैरिटी नजर आएगी आपको इसराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री में इन मे 1948 Less than a year after the partition plan for Palestine was introduced, Britishers bhag liye. ठीक है. Britishers bhag liye aur Israel declared itself an independent state, implying a willingness to implement the partition plan. So till now, Israel continuously agreed and implemented whatever Britishers tried to do ki partition karke aise aise karo. ठीक है. Israel played along like a good kid ki bhai. ठीक है, we agree. Almost immediately, लेकिन उसके बाद, neighboring Arab armies moved in to prevent the establishment of the Israeli state. Arabs ने immediately attack कर दिया. Can you connect the dots यहाँ पे थोड़ा सा from Kashmir में जो attacks हुए इंडिया में 1948-49 में उसी टाइम पे 1948 Arab-Israeli war जो that happened involved Israel and now just see अभी Israel बना है ठीक है और इमीडिएटली लेस देन अ ईयर ठीक है इजराइल के ऊपर अरब आर्मीज अटैक करती हैं और उसमें 5 अरब नेशंस साथ में आते हैं जॉर्डन इराक सीरिया इजिप्ट एंड लेबनान ऑल मुस्लिम नेशंस ठीक है सरप्राइजिंगली और नॉट सो सरप्राइजिंगली कंसीडरिंग व्हाट वी आर सीइंग दीस डेज बाय द वॉर्स एंड इन जुलाई 1949 Israel controlled more than 2/3 of the former British mandate. The Britishers ने जितना बोला था उससे 2/3 ज़्यादा Israel ने कब्ज़ा कर लिया. While Jordan took control of the West Bank, Egypt and Gaza Strip. ठीक है. In 1964, थोड़ा सा आगे जाते हैं. 1964, Palestine Liberation Organization was formed. एक सिंपल से पर्पस के लिए फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पैलेस्टीन अरब स्टेट ऑन द लैंड प्रीवियसली एडमिनिस्टर्ड अंडर द ब्रिटिशर्स और पीएलओ को ये लगता था कि ये इललेजिटिमेट कंट्रोल में है इसराइल के तो एक पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन बनती है ठीक है हालांकि पीएलओ वाज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इसराइल एज अ मींस ऑफ अटेनिंग द गोल्स ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड अपेरेंटली In 1993, Oslo Accord, पहला Oslo Accord हुआ था जिसमें PLO ने accept किया Israel's right to exist in exchange for formal recognition of PLO by Israel. एक बहुत अच्छा gesture हुआ ये और एक लगा कि थोड़ा peace आना शुरू हो जाएगा. पर उसके पहले 1969 में Palestinian का जो एक leader था Yasser Arafat, वो chairman बना था PLO का और वो title उसने होल्ड किया था टिल ही डाइड इन 2004 इन सब के दरमियान जस्ट लुक एट हाउ इजराइल वाज बीइंग पोक्ड कंटीन्यूअसली इन सब के दौरान एक फिर से एक जंग होती है द सिक्स डे वॉर ठीक है द सिक्स डे वॉर वाज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग अ वोलेटाइल पीरियड ऑफ डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन एंड फाइटिंग एंड इरिटेशन पोकिंग एंड पिनिंग बिटवीन इजराइल और इट्स नेबर्स व्हिच इज मोस्ट ऑफ द मैन Arab nations. In April 1967, clashes bade, thode aur aggressive hue after Israel and Syria fought a airfare in the sense air fight hua unke beech mein ferocious tarike se an artillery engagement in which 6 Syrian fighter jets were kaput. Theek hai. In the wake of the air battle. The Soviet Union provided Egypt with intelligence. अब यहाँ पे लोगों ने बहुत
पोकिंग एंड यू नो गेम खेले यहाँ पे। सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को एक इंटेलिजेंस दिया कि इजराइल वाज मूविंग ट्रूप्स टू इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद सीरिया इन प्रिपरेशन फॉर अ फुल स्केल इन्वेजन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, बट इट नेवरदलेस एक इजिप्ट में एक जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे गमल अब्देल नासिर, उनको टेंशन में डाल दिया और उन्होंने अपनी फोर्सेस को आगे भेज दिया इनटू द सीनियर पेनिनसुला, वेयर दे एक्चुअली गॉट इन अ स्कर्मिश एक्सपेल्ड अ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स दैट हैड बीन गार्डिंग द बॉर्डर विद इजराइल फॉर ओवर अ डेकेड। उन्होंने उनको फेल दिया वहां पे। नाउ इजराइल के जो डिफेंस फोर्स था IDF, ठीक है, इजराइल का डिफेंस फोर्स ने फिर एक प्रीएम्प्टिव एरियल अटैक किया अगेंस्ट इजराइल अगेंस्ट इजिप्ट ऑन June 5, 1967। बोथ नेशंस क्लेम दैट दे वर एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस इन द एंजुइंग कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि अगर देखा जाए तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा, और इजराइल का फिर हक बनता था कि अगर कोई आ रहा है प्रीएम्प्टिव के लिए भी तो वो भी पलट के बात करे, विच एंडेड ऑन June 10। 5 जून को शुरू हुआ, 10 जून को खत्म हुआ, और उसमें जॉर्डन भी आया और सीरिया भी आया जिन्होंने इजिप्ट का साइड लिया। द 6 डे वॉर इट केम टू बी कॉल्ड रिजल्टेड इन मेजर लैंड गेन्स फॉर इसराइल। इसराइल ने फिर से इन लोगों को पेल दिया, छोटा सा इसराइल फिर से अरब नेशंस को पेल दिया। नाउ बाय द एंड ऑफ द वॉर इसराइल हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द गाजा स्ट्रिप, द वेस्ट बैंक, द सिनियर पेनिनसुला, एक जो कि एक डेजर्ट रीजन सिचुएटेड है बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, एंड ऑल्सो गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स है रॉकी प्लेटू लोकेटेड बिटवीन सीरिया एंड जो आज का मॉडर्न डे इसराइल है। द फर्स्ट इंटिफादा एंड द ऑस्लो अकॉर्ड्स की अगर बात करो, जिसके मैंने बारे में थोड़ी देर पहले बोला, 87 में द फर्स्ट इंटिफादा ब्रोक आउट। ठीक है, और फलस्तीन का जो एंगर था उस टाइम पे, ऑनगोइंग इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा एंड द वेस्ट बैंक, तो फलस्तीन का जो मिलिशिया ग्रुप था उन्होंने रिवोल्ट किया और हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। नो वन टॉक्स अबाउट देम कि इजरायल के कितने लोगों को खत्म किया इन लोगों ने, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। ठीक है, एक टाइम टेबल बना फर्स्ट ऑस्लो अकॉर्ड के बाद फॉर अ मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस एंड अ प्लान फॉर एन इंटरिम फलस्तीनियन गवर्नमेंट इन पार्ट्स ऑफ गाजा एंड द वेस्ट बैंक। अग्रीमेंट साइन हुआ इन 1993, व्हिच वाज विटनेस्ड बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर यिट्साक रबिन एंड पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफात। अराफात गाजा आया 1994 में आफ्टर ही वाज एक्साइल्ड फॉर 27 इयर्स। ही हेडेड अप द न्यूली फॉर्मड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और यासिर अराफात की हिस्ट्री क्या है हम सब जानते हैं। 1995 में ऑस्लो 2 एक ग्राउंड वर्क सेट किया फॉर अ कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक एंड द एरियाज। इजरायल ने विथड्रॉ किया, ठीक है, कोई इनके बारे में बात नहीं करता कि इजरायल ने इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंड बिलोंग टू देम एंशिएंट हिस्ट्री वाइज दे स्टिल विथड्रू, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड पीस। इट ऑल्सो सेट अ शेड्यूल फॉर पैलेस्टीनियन का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होगा, उसका भी एक टाइम टेबल सेट किया गया। और फिर हुआ उसके बाद एक सेकेंड इंतफाला, ठीक है, इन सितंबर 2000 जो सेकेंड पैलेस्टीनियन इंटिफादा शुरू हुआ, वन ऑफ द ट्रिगर्स फॉर द वायलेंस वाज व्हेन अराइल शेरन, अ राइट विंग ज्यूश इजरायली हु वुड लेटर बिकम इजरायल्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम को विजिट किया। ठीक है, कैसे कर सकते हो भाई, हमारा है, ठीक है, कैसे कर सकते हो, हमारा है। Many Palestinians felt this was an offensive move and they protested. ठीक है, इनको दिक्कत होगी वहाँ पे, भाई तुम चले कैसे गए। Riots हुए, suicide bombings हुई और all attacks हुए subsequently which broke out, putting an end to the once promising peace process. Peace process की हो गई ऐसी की तैसी और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। Suicide bombing जैसे मैंने आपको बोला, suicide bombing हुई, बच्चों के ऊपर अटैक हुए, बूढ़े जवान औरत जो भी सामने आया basically उन सबके ऊपर अटैक हुए और किसी को देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन, पीपल जस्ट वांटेड टू किल इजराइल। ठीक है, पीएलओ का जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पीएलओ का तो टारगेट ही था कि इजराइल का खात्मा, नो वन एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो पीस प्रोसेस जो था वो डिफंक्ट।
इस पीरियड के दौरान वायलेंस बिटवीन फिलिस्तीन एंड इजराइल लास्टेड नियरली 5 years. यासिर अराफात मरा 2004 में. And by August 2005, the Israel army withdrew from Gaza, which no one gives them credit for. Give a bar and tell here again. Okay. Fir aaya ji Hamas. In 2006, okay, Hamas, Sunni Islamist militant group, unhone Palestinian legislative elections jeet liya. It's like Pakistani army and ISIS going and winning election. किस तरीके से इलेक्शन जीतते हैं ऐसे लोग. उन्होंने इलेक्शन जीता. द सेम ईयर फाइटिंग बिटवीन हमस एंड फतह, द पॉलिटिकल ग्रुप जो कंट्रोल करता था पीएलओ को, उनके बीच में फाइटिंग शुरू हुई. एंड इन 2007 हमस डिफीटेड फतह इन अ बैटल फॉर गाजा. अब आप इसको थोड़ा सा तालिबान और अफगानिस्तान के साथ भी जोड़ के देखो कि किस तरीके से तालिबान कंट्रोल करता था अफगानिस्तान को, इवन दो इट वॉज नॉट अ इलेक्टेड पॉलिटिकल और यू नो इलेक्टेड बॉडी पर से बाय द पीपल. कोई डिप्लोमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था उसमें, कोई डेमोक्रेटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं था उसके अंदर. इट वॉज ऑल एट द पॉइंट ऑफ गन, विच हमस इज ऑल्सो एज गुड एज तालिबान, इफ नॉट एनी लेस और एनी मोर. नाउ अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखो या मॉडर्न सोसाइटी में देखो, मैनी कंट्रीज कंसिडर हमस टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. The group has carried out suicide bombings and repeatedly called for the destruction of Israel. ये वही बात है जैसे हम कहते हैं ना हमारा एक बुरहान वानी कि वो मास्टर का बेटा, वो तो मास्टर जी का बेटा था, पर मास्टर जी के बेटे ने अल्लाह अकबर करके सबको बोल रखा था कि मारो, ठीक है. तो उसके मरने पे लोगों को दिक्कत हुई थी उसी तरीके से. और जो हिज्बुल मुजाहिदीन है, तालिबान है, या ओसामा बिन लादेन है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी ही तरह हमस भी है. वो भी डिस्ट्रक्शन में यकीन करता है. वो इंडिया को मारना चाहते हैं और ये लोग इसराइल को मारना चाहते हैं, ठीक है. नाउ हमस और इसराइल फॉट ईच अदर इन सेवरल वॉर्स, इंक्लूडिंग ऑपरेशन कास्ट लीड इन दिसंबर 2008, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस इन नवंबर 2012, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज इन जुलाई 2014. April 2014 mein Hamas and Fatah agreed to do a deal that would form a unified national Palestinian government. But ye unified wala abhi bhi chal raha hai, theek hai. And if you see, agar aap thoda sa research karo YouTube pe bhi jaake abhi current situation pe, to aapko kai political leaders Palestine ke aise milenge jo mante hain ki Hamas is not a politically you know organized entity. But they support them when Hamas fires rockets into Israeli cities. ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा कि they are violent, yes, but they are fighting and firing against our people who have occupied our territory. तो हम उनको support करते हैं, ठीक है. Really, that's the argument you want to give for violence. कि भाई अगर कोई occupied है तो तुम UN नहीं जाओगे, तुम UNO नहीं जाओगे, तुम वर्ल्ड फोरम पे नहीं जाओगे, यू आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू फायर. एंड वहाँ पे जो बच्चे मरते हैं तो उनके आप फोटो नहीं दिखाते, वहाँ पे जो औरतें मरती आप नहीं दिखाते, वहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसेस टूटते हैं वहाँ पे नहीं दिखाते. वट यू आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि इसराइल ने पलट के मारा तो हमारे देश मर गए. ऑब्वियसली इसराइल ने मेहनत करी है भाई, उसने अपना अपने आप को स्ट्रांग बनाया है. आप रह गए ये करने में, इसराइल रह गया टेक्नोलॉजी आगे करने में. That's the difference between Palestine and Israel. तो और थोड़ा अगर सिर्फ ये keywords देखो ना YouTube में Israel attacks Palestine ऐसे करके कुछ, तो आपको ऐसे videos में मिलेंगे जहाँ पे जिन बच्चियों के ये जितने मंदबुद्धि खिलाड़ी YouTube, Facebook पे, Twitter पे इधर उधर खेलते हैं ना, दो दो साल की बच्चियों की फोटो लगा के कि ये मर गई, ठीक है. 2018 की फोटोज, ठीक है, 2018 की फोटोज होती हैं वो, और 2020 और 2021 की फोटोज हैं जहाँ पे सेम किट, गॉड ब्लेस देम एंड गिव देम लॉन्ग लाइफ, सेम किट की फोटो आती है जहाँ पे लोग को हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर वो बच्ची दो साल पहले मर चुकी थी तो उसका हैप्पी बर्थडे 2020 में कैसे हो रहा है. और थोड़ा अगर देखोगे कि जितने लोगों के जो वीडियोस बनते हैं ना कि अटैक हुआ यहाँ से खून भरा है, ये देर आर वीडियोस पैलेस्टीन के मार्केट से ऐसे स्टिंग करके छुपा के किया हुआ जहाँ पे
लोगों का मेकअप किया जा रहा है चोट वोट लगा के, उनके वीडियोस निकाल के ट्विटर पे सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, कंप्लीटली फेक। ठीक है, कंप्लीटली फेक। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल ऐसा नहीं करता होगा, बट चूंकि हम यहाँ पे एक रैशनल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल क्यों अटैक कर रहा है, तो किस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ है ना लोग जो शमशान घाट में बैठ के दिखाते हैं कि सिर्फ हिंदू मर रहे हैं, सिर्फ यूपी में ही मर रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं मर रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स। उसी तरीके से यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि देखो कैसे बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन इजराइल एंड फिलिस्तीन। नाउ इसका इंडिया का कनेक्शन बहुत डीप है, जो कि अगले वीडियो में बताएंगे। व्हाट आई वांटेड टू डू इज गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि कैसे यहूदियों को, ज्यूज को उनके घर से निकाला गया। ठीक है, जैसे जैसे कश्मीर में हुआ है, यू कैन सबसे सिंपल एग्जांपल कश्मीरी पंडित का है यहाँ पे, कि कैसे कश्मीरी पंडित को उनके ही जो हिंदू हिंदू स्टेट हुआ करता था वहां से कैसे उनको निकाला गया और कैसे वो अभी रिफ्यूजी बन के चारों तरफ रह रहे हैं। द ओनली डिफरेंस विद यहूदीज इन इजराइल इज कि उन्होंने फाइट बैक किया, दे फॉट फॉर देयर for the land that belonged to them, for the water, for the oil, for whatever minerals can be found there, they fought for it. Aur unhone palat ke pela. They did not shy away from violence, they fought for it. Ab phir log kehte hain ki big Indians, most Indians are standing with Israel because Palestine is a Muslim country. Aisa nahi hai, but if you want to look at it that way, then you also again go back to the terminology that Karma is a bitch. ठीक है, आपने जो पूरे वर्ल्ड के साथ किया वो पलट के आपके साथ हो रहा है, सो यू शुड नॉट बी प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। यू इन्वेडेड एवरी पॉसिबल कंट्री यू कैन थिंक ऑफ, स्पेशली इंडिया। एशिया रीजन में आपने बहुत तबाही मचाई, आप लोग गधे पे आए और हमारे यहाँ से घोड़े लेके गए, और फिर घोड़ों के बाद फिर आपका स्पीड ज्यादा बढ़ गया क्योंकि घोड़े ज्यादा ट्रेवल कर सकते थे, एंड दैट्स हाउ यू कंटिन्यूअसली रेप्ड, किल्ड एंड वायोलेटेड एवरी free country that you could think of jahan se aap paisa utha sakte the. So agar you want to play a victim card, that will not happen. You are only getting back frankly what you deserve, maybe not my words but the sentiment of people ki probably ab deserve karte the us cheez ko. So we are going to leave it that particular thing ki hindu muslim koi kyun kar raha, hindu muslim koi nahi kar raha, logo ne history padhi hai, logon ko history ka knowledge hai, logo ko pata hai, they can relate to the sentiments of Israelis because India ka history more or less same timeline 1947 ke baad se waise hi chal raha hai. India is fighting jaise Israel Palestine aur Arabs ke sath lad raha hai, dusri taraf se Iraq hai, Iran hai, Egypt hai, Syria hai, and all those things, waise hi India Pakistan se bhi lad raha hai, China se bhi lad raha hai, aur wo fight continuously chale ja rahi hai dono side of border pe. Theek hai, yahan pe west ho chahe east ho, India lad raha hai, and that is why Indian people connect to this Israeli pain a little more, because unko pata hai ki jo unke saath hua wahi Israel ke saath hua hai. Aur is mushkil time pe if there is one particular friend which agar hum khul ke nahi bol rahe, India ne officially nahi bola hai we support Israel, ye Indian citizens ne bola hai, Indian government is playing its diplomacy whatever they want to play. Theek hai, but because we Indian people have got that bond, that understanding of what Israelis have gone through, unke history mein kya unka shoshan hua hai, kis tarike se unko unke hi ghar se nikala gaya tha, that is why we say India stands with Israel. Theek hai, and that is what you guys need to understand. To yahan pe jab aap aapke chat room mein agar kehte ho Radia ji ki Muslim and Hindu and all those things, please don't do that. Theek hai, it's not about Hindu Muslim, it's about jiska land tha wo claim kar raha hai wapas se. Theek hai, and एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको यहाँ पे. ठीक है, ये मैं किसी और को भी बता रहा था आज. ग्रीस और टर्की बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ इंडिया का हो चाहे इसराइल का हो, वो हुआ रिलीजन के बेसिस पे, क्रिश्चियन ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स एंड हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स. ठीक है, तो अगर वो पॉपुलेशन के वाइज हुआ, व्हाई डिड पीपल नॉट माइग्रेट कंप्लीटली टू द लैंड दैट वाज गिवन टू देम. इन दिस केस अगर इंडिया में हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ, मुस्लिम लीग ने मांगा,
कर लिया तो फिर सारे मुस्लिम उधर क्यों नहीं गए? Why some of them remain यहाँ पे and then now दिख रहा है कि अरे इंडिया में खतरा है, इंडिया में खतरा है. Now इसका एक सॉल्यूशन जो प्रोबेबल हो सकता है, मुश्किल है कंसिडरिंग हाउ एग्रेसिव वन पर्टिकुलर साइड ऑफ कम्युनिटी इज, वी ऑल नो इट. बट एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको 1923 का. 1923 में पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ था बिटवीन ग्रीस एंड टर्की. ठीक है, ग्रीस एंड टर्की जहाँ पे द गवर्नमेंट इट इन्वॉल्व बेसिकली 1.6 मिलियन पीपल. 1.6 मिलियन पीपल ग्रीक ऑर्थोडॉक्स फ्रॉम एशिया माइनर, ईस्टर्न थ्रेस, द पॉन्टिक एल्प्स एंड द कॉकेसस, एंड 3,55,000 और अराउंड 4,000 टर्किश मुस्लिम्स फ्रॉम ग्रीस. ठीक है, मोस्ट ऑफ होम वर फोर्सिबली मेड रिफ्यूजीज एंड अपने होमलैंड से इनको निकाल दिया गया था. The initial request for an exchange of population came from Greek Prime Minister जो उस टाइम के थे, in a letter submitted to the League of Nations, जिसका नाम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, in 1922 October 16, as a way of normalizing relations. ठीक है, since the majority of the surviving Greek inhabitants of Turkey had fled to Greece by that time. Now, a compulsory exchange of Greek and Turkish population की बारे में बात है, ना? फिर आगे ये बढ़ा गया कि नेसेसरी अरेंजमेंट करो. द न्यू स्टेट ऑफ टर्की ऑल्सो एनविजन द पॉपुलेशन एक्सचेंज एज अ वे टू फॉर्मलाइज एंड मेक परमानेंट द फ्लाइट ऑफ इट्स नेटिव ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पीपल वाइल इनिशिएटिंग अ न्यू एक्सोडस टू अ स्मॉलर नंबर ऑफ लेट्स से 4 लाख पीपल ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ग्रीस एज अ वे टू प्रोवाइड सेटलर्स फॉर द न्यू पॉपुलेटेड डीपॉपुलेटेड ऑर्थोडॉक्स विलेजेस ऑफ टर्की. तो ये जो रिलीजन का जो प्रॉब्लम था ग्रीस और टर्की के बीच में, ये पॉपुलेशन एक्सचेंज के थ्रू सॉल्व आउट किया गया, विच आई थिंक कुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. बट अगेन होगा नहीं ऐसा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, वन साइड ऑफ अ कम्युनिटी और अ रिलीजन प्रोबेबली इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एंड दे आर गोइंग टू बी रिजिड, क्योंकि भाई कजवाए हिंद करना है. ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये चैटों में जो आते हैं वो बोलते हैं, मैं उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ. बिकॉज मेरे ख्याल में गजवाए हिंद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है और वो होगी भी नहीं. ठीक है, बट बिकॉज कम पीपल कम एंड टॉक इन द चैट रूम, इसलिए उनको बता रहा हूँ कि अगर वो ऐसा है तो भाई पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लो, तुम अपना जहाँ तुमको गजवा फैलाना है वहाँ पर फैला लो. नाउ पायल अंसारी कह रही हैं, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जस्ट लाइक यू सपोर्टेड इजराइल, इफ समवन सपोर्ट्स फिलिस्तीन देन इट्स देयर डेमोक्रेटिक राइट ऑफ चॉइस ऑफ होम टू सपोर्ट, वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. बिल्कुल पायल जी, जिसको सपोर्ट जिसको करना है करो भाई, लेकिन मेरा काम है जो फैक्ट्स है उसको बताना. उसके बाद अगर कोई मंदबुद्धि ये कहना चाहता है कि जैश मोहम्मद एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो उसका उसका अभिव्यक्ति की आज़ादी है. भाई हिंदुस्तान में तो ऐसे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत ज़्यादा है. सो इवन इफ समवन वांट्स टू से कि बुरहान वानी एक टेररिस्ट नहीं था, बट एक मास्टर जी का सीधा साधा लॉस्ट चाइल्ड था, उनका ओपिनियन है. तो मैं उनके ओपिनियन पे कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करता हूँ. उसके बाद जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे वो उनकी मर्जी है, व्हाट दे वांट टू सपोर्ट एंड दे डोंट वांट टू सपोर्ट. कोई मेरा ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बैठा यहाँ पे कि मैंने बोल दिया, स्टाइलर ने बोल दिया तो चीज खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवन इज फ्री फॉर देयर चॉइस, अपना अपना. ये लो अविनाश कह रहे हैं, स्ट्रेंजली स्टाइल आई थिंक यू स्टार्टेड विद हिस्ट्री ऑफ थ्री रिलीजन, नाउ यू से डोंट मेक इट रिलीजियस इश्यूज. दैट इज अविनाश जी, थोड़ा ना अकल लगाया करो, हिस्ट्री जो है वो बताइए. और यहाँ पे जो हिंदू उसमें खेल रहे थे उनको मैंने जवाब दिया कि भाई रिलीजन मत करो, जो हिस्ट्री है उससे बात करो. और हिस्ट्री में भाई अगर तुम्हारा नाम अविनाश है तो तुम हिंदू हो, कोई अगर तारीख है वो मुस्लिम है, तो भाई रिलीजन है ना, इतनी अकल तो रखो, या फिर सब कुछ बेच के आगे नाम के आगे. वैसे तो नाम तो उर्दू में लिखा हुआ है, आई डोंट नो तुम्हारा नाम असली है क्या ब्रो, बट कोई बात नहीं, वेयर टू लेट बी. ठीक है, ओके चलो. इजराइल आर्टिलरी इज लेड बाय द गॉड, चलो ठीक है, इज लेड बाय द गॉड, फेयर एनफ. ओके, so who is asking not to support, like Obama, like Osama was an engineer, exactly, yes, like Osama was a, कौन सा civil engineer था, कौन सा था, chemical engineer था, mechanical engineer था, कौन था, जो भी engineer था वो. चलो anyways, we will not joke around. तो कहने में ये आया था basically जो मैंने कह दिया कि history को थोड़ा सा पढ़ो. ठीक है,
जिन लोगों को घर से निकाला गया, अगर वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, चाहे वो वायलेंट तरीके से हो, फिर फ्रेंकली स्पीकिंग इंडिया प्रोबेबली कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, एंड मे बी कश्मीरी हिंदूज कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग, नो नो ऑफेंस टू देम, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग ऑन टेलीविजन कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ. 5-10 लाख हो यार, बड़े बच्चे पैदा हो, बच्चे बच्चे भी पैदा हो गए होंगे, 10-15 लाख हो गए, 20-30 लाख हो गए, जाके जाओ ना कश्मीर में, घुसो, 5 आतंकवादी आके पूरे कश्मीर को हिला देते हैं हर दूसरे दिन, तुम 30 लाख रुपये जाके कश्मीर को हिला नहीं सकते, जाओ ना, किसने रोका है? डोंट बी वायलेंट बट नंबर्स मैटर, यूनिटी करो, चले जाओ. एंड दैट्स व्हाट इजराइल इज डूइंग. इजराइल अपना लैंड वापस क्लेम कर रहा है, इट वॉन्ट्स टू रीइंस्टेट इट्स आइडेंटिटी, एंड आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. दैट्स माई स्टैंड, यू कैन अग्री टू डिसएग्री यहाँ पे. ठीक है, नाउ एज आई सेड, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन टू पार्ट्स. नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे इंडिया का कनेक्शन एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इंडियाज रोल इज एंड हाउ इंडिया इज कनेक्टेड टू इसराइल. मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे इज व्हेन आई एम गोइंग टू डू इट. ठीक है, आई माइट डू इट टुमारो ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर, बट विल सी. जैसे नॉर्मली हम मंडे को ऑफ रखते हैं, तो विल जस्ट माइट जस्ट डू इट, बट ट्यूजडे को मोस्ट प्रोबेबली विल कम आउट विद इंडिया का कनेक्शन, एंड देन आवर वीक ऑफ यूट्यूब इज गोइंग टू स्टार्ट. अगर और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है विच यू वॉन्ट टू शेयर, यू कैन गो अहेड इन दिस वीडियो, आफ्टर द वीडियो इज डन नाउ विच वी आर अबाउट टू, यू कैन पुट इन द कॉमेंट बॉक्स, कॉमेंट्स में लिख देना. और अगर कोई रिसर्च करी हो, कोई नए लिंक्स, कोई वीडियो निकाल रहे हो, उनको उनको भी कॉमेंट में लिख देना, ताकि जो मंदबुद्धि लोग हैं अगर उनको थोड़ा ज्ञान दे सकते हो तो प्लीज गो अहेड इन टू दैट. फॉलोअर्स ऑफ द पेडोफाइल मॉब, चलो anyways, so guys, this was the information that I wanted to share with you today. Karmik was supposed to come, but Karmik ko kahin jana pada last moment pe. Karmik will not be joining, even I'm going to go off now, but hopefully next video mein Karmik saath mein honge, jab hum India ki aur fir se thoda aur revisit karenge ancient history of Israel and Palestine, jahan pe again as I'm saying, it's not a fight to expand, maybe a little bit thoda Israel bhi kar raha hai ki wo expand kar raha hai, but it is a fight to take back and to keep what was promised to them and what belonged to them from the very beginning, kyunki Jews hi pehle the wahan pe. To us cheez ko thoda sa samjho, agar respect kar sakte ho to karo. Just because you are a Muslim, don't say Israel is wrong. Jahan tumhari galti hai itihas mein, maafi mangna shuru karo. Okay, I think Bharat has joined, so I'm going to take him for a few minutes and take his point of view also. Hi Bharat, how are you? Hello bro, I don't know, for some reason teri awaaz bahut kam aa rahi hai, so I may have to disconnect and reconnect. Some issue with me, I guess. Mujhe aur bhi logon ne bola shayad ki awaaz kam aa rahi hai. Can someone please tell me? Ruk ja, let me just reconnect na, ek second. Theek hai. Okay, we'll wait for him to connect, but yeah. Thanks Tyler for bringing this up. Okay Avinash ji, thank you. Aaj hai volume low yaar. Acha ji, no idea bhai sahab, very clear. Acha, kisi ko clear, my voice is okay, koi keh raha hai nahi. Facts to ye bhi hain, Malegaon blast mein Colonel Purohit aur Sadhvi Pragya pakde gaye the, wo abhi tak bari nahi hue by court, fir bhi MP hain. Bhai, is hisab se ab aap usme agar jaoge, pehli baat to ye hai Payal Ansari ji, theek hai, Payal Ansari ji, pehli baat to ye hai ki topics ko mix mat karo, theek hai, ki मालेगांव वाला क्या, अगर आपको इसराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री में बात करनी है तो करो, आई एम गोइंग टू आंसर दैट. पर अगर आप ये बोलोगे कि थाने में, मुंबई के थाने एरिया में किसी ने किसी को मारा और वो इससे रिलेट करो, तो वो गलत है. उस तरीके से तो भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पालगढ़ में साधुओं की लिंचिंग करी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, उसके लोग आज भी फ्री घूम रहे हैं. आर यू गोइंग टू आंसर फॉर दैट? आर यू रियली गोइंग टू आंसर फॉर दैट? ठीक है, आईबी का जो ऑफिसर दिल्ली राइट से मारा गया, ठीक है, 35-40 बारी उसके छुरा घोंपा गया, उसको नाली में फेंक दिया गया, एंड वी नो किसने किया, ताहिर हुसैन के इशारे पे, आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो? डू यू रियली वांट टू गो देयर विद मी? डू यू रियली वांट टू गो देयर विद मी? डू यू रियली वांट टू कंपेयर दीज टू थिंग्स, कंप्लीटली नॉन रिलेटेड थिंग्स, एंड डिस्कस दोस थिंग्स? इफ यू वांट टू, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर अ मंदबुद्धि, यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर लास्ट नेम अंसारी यू वांट टू प्ले अ विक्टिम कार्ड यहां पे, ठीक है, व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन. भारत, हाउ आर यू?
यो ब्रो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम सॉरी फॉर नो वीडियो टुडे, थोड़ा मुश्किल होगा. कोई बात नहीं, इट्स ओके. आई वॉजंट एबल टू कैच अप विद द एंटायर सेशन दो. आई मीन आई डिड स्टार्ट ऑफ, बट एज आई टोल्ड यू आई वॉज ड्राइविंग, सो कुडंट वॉच इट कम्प्लीटली. बट येस, वन थिंग, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड रियली नीड्स टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव नाउ, बिकॉज as far as the Biden administration goes, they are in no mood of making things merrier for people. They are looking forward in terms of encouraging war, and that's what I believe that US in specific has been doing by just, you know, giving a little boost to Israel, maybe because they're trying to just simply you know, like उन लोग का ये कहना है कि अगर तुम हमस में हो, मतलब अगर तुम हमस का पार्ट हो तो तुम फलिस्तीनियन हो. बट बल्कि फलिस्तीनियन आर इन जॉर्डन इज वेल. फलिस्तीनियन और भी जगह फैले हुए हैं, ठीक है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर एंटायर कम्युनिटी बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. बट वॉट आई अंडरस्टैंड बाई ऑल ऑफ इट, बिकॉज ऑफ द ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू दैट आई शेयर विद यू लास्ट नाइट, ठीक है? व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हैव रिसर्च सो फार इज दैट कि कुछ चंद लोगों की वजह से ना पूरी कम्युनिटी खराब हो रही है. दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया पाकिस्तान एंगल इज वेल. एंड वी हमारे हमारा ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है ना कि अगर कुछ भी होता है तो यार हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. वहां पे भी वही हो रहा है, जूस एंड फलिस्तीनियंस, जूस एंड फलिस्तीनियंस. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इसराइल का वो पूरा लैंड इसराइल का हक था एक तरीके से, बिकॉज ईस्ट जेरूसलम वाज सपोज्ड टू बी कम्प्लीटली यू नो, इट वाज द एरिया ऑफ जूस, राइट? नाउ देर वाज अ टाइम व्हेन फिलिस्टीनियंस केम इन, देर वाज अ टाइम व्हेन फिलिस्टीनियंस केम इन फ्रंट ऑफ जूस एंड टोल्ड देम दैट ओके वी विल स्टे, लाइक यू नो, हम मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे. तभी भी अगर आप आज मैप देखो उनका तो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है. कुछ जगह देर इज अ गाजा स्ट्रिप विच इज सेपरेट, देर इज अ यू नो लाइक वेस्ट बैंक विच इज सेपरेट, बट बोथ आर फिलिस्तीनियंस. और वेस्ट बैंक के अंदर यू ऑल्सो हैव गॉट इजराइली स्टेइंग. सो दिस इज समथिंग वेर इन इट ऑल स्टार्टेड व्हेन द इजराइलीज यू नो लाइक वर डूइंग अ मार्च ऑन देयर 54th एनिवर्सरी ऑफ कैप्चरिंग ईस्ट जेरूसलम. उस टाइम पे कोई यू नो लाइक भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, बोलते हैं ना, तो पीपल स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड इन दिल्ली, ठीक है? बिकॉज़ अ फ्यू पीपल वी एंडेड अप यू नो लाइक वी एंडेड अप टारगेटिंग एन एंटायर कम्युनिटी. सो आई बिलीव यहाँ पे फिलिस्तीनियंस को भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए ब्रो, क्योंकि अगर आप इसराइल की बात करोगे तो इसराइल में ना they have a compulsion of having bomb shelters in every house, ठीक है? However, in contrary to that, if you talk about Hamas, वहाँ की buildings ही इतनी weakly constructed है कि bomb shelter तो बहुत दूर की बात है. और United Nations ने भी war crime इसको बोल दिया है, be it from Israel's point of view or be it from Hamas point of view. बीच में फंस रहे हैं Palestinians. Yeah, that's my take though. Okay, now, though I agree with you with the most of the things that you said, एक जगह पे I will two places that I don't agree with. पहला तो ये कि let me also add यहाँ पे कि पैलेस्टीन ऑक्यूपाइड जो एरिया है वहां पे इजरायली गवर्नमेंट के परमिशन और पैलेस्टीनियन का जो सेटअप है उसके थ्रू इवन इजरायलीज लिव वहां पे, ठीक है? वो भी वहां पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज नॉट अ पॉपुलेशन ओवरलैप बिटवीन टू नेशंस एज सच, ठीक है? दूसरा चीज दैट आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ भारत. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि पीपल नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है? एंड दैट इज वेयर आई थिंक एवरी रिलीजन हैज अ प्रॉब्लम, ठीक है? नाउ जैसे कि यू सेड कि कुछ लोगों की वजह से रिलीजन बदनाम होता है, कुछ लोगों की वजह से नहीं भाई, मेंटेलिटी की वजह से बदनाम होता है.
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट. ठीक है, समवन इन द चैट रूम इज सेइंग कि लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन स्क्रॉल टू द कमेंट दैट कॉट माय आई. लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके हाँ, इन द मीन वाइल आई जस्ट सिंपल. हाँ बोल बोल बोल, मेरे को लगा तू कमेंट ढूंढ. राधिया जी ने कमेंट लिखा है सतीश जी को कि आई एम सेइंग जस्ट सी इट फ्रॉम एन अनबायस्ड व्यू व्हिच स्टाइल हैज सेड बट ही हिमसेल्फ इज नॉट डूइंग इट एंड स्टाइल लाइक मंद बुद्धि आर दोज हु ब्लाइंडली फॉलो इवन आफ्टर वाचिंग एवरीथिंग. बिल्कुल राधिया जी आप सही कह रहे हो, मंद बुद्धि आर दोज हु ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. वेर इन मैंने आपको अभी हिस्ट्री बता दी कि कैसे यहूदियों को जूस को उनके घर से निकाल के पेला गया, कैसे मुस्लिम से इन्वेड किया, कैसे अरब कंट्री ने बार बार एट्रोसिटीज करी. आप उस चीज को मानना नहीं चाहते, यू डोंट इवन वांट टू एक्नॉलेज इट. ठीक है, यू किल्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, रिड्यूस्ड देम टू माइनॉरिटी. नाउ व्हेन दिस माइनॉरिटी रोज बैक लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम एशेस, जो भी उसका टर्मिनोलॉजी जैसे ही बोलते हैं. ठीक है, और वो क्लेम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल इज नॉट एट फॉल्ट, इसराइल एक्सपेंशन अगर कर रहा है वो गलत है, लेकिन Have they always been wrong? No, they claimed what belonged to them. आप उसको acknowledge करो. Problem ये है कि आप लोग कभी भी sorry बोलना नहीं जानते कि हमसे mistake हुआ. ठीक है, everyone knows हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों है. हिंदुस्तान को invade किया गया, टुकड़ों में बांटा गया, लूटा गया, खसोटा गया, चीरा गया, सब कुछ किया गया. Has anyone ever apologized to India? No, they haven't. Not even once. Not even once the people who have looted India for like 500, 700, 800 years, they have apologized even once. They haven't. एक बार भी नहीं. और आपको फिर इस चीज को acknowledge करना चाहिए कि एक nation अपनी identity के लिए 6-6 countries के साथ भिड़ गया, उनको पेला. तो भाई देश के लिए जज्बा था तभी था ना. तो आप उस चीज को समझो. एक सॉरी एक बहुत दूर तक जाता है चीजों को सॉल्व करने में. इफ यू से सॉरी कि हमसे गलती हुई, नाउ इफ यू कैन नॉट से सॉरी, तो भाई लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, फिर लोगों के मन में वो करवाहट रहेगी. ठीक है, 1947 में जो हुआ, अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले लें थोड़ा सा यहाँ पे, 1947 में जो हुआ, हैज पीपल अपोलोजाइज्ड फॉर इट? ठीक है, एवरीवन नोस हिंदुस्तान वॉज अ हिंदू नेशन, पीपल केम फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, यहाँ पे आके मुस्लिम्स ने अपना घर बनाया, हमने घर भी दिया, हमने उनके साथ रहना भी शुरू किया. लेट मी गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि पेट में छुरा भोंका गया, अलग नेशन मांगा गया, अलग नेशन भी दिया गया, उसके बाद भी काफी मुस्लिम्स यहाँ रहे. क्यों रहे? What was the ulterior motive, if at all there was? Everyone should have gone, क्योंकि अगर रिलीजन के नाम पे पार्टीशन हुआ था, that should have happened. पर नहीं हुआ वो. बट हैज पीपल अपोलोजाइज टू द हिंदूज इवन वंस ड्यूरिंग 70 इयर्स? नो वन हैज. नाउ दैट इज व्हाट, जो तुमने हमस का एग्जांपल दिया भारत की, हर घर के अंदर इजराइल में बॉम्ब शेल्टर है और पैलेस्टीन में वैसा भी नहीं है. भाई दिस इज जस्ट लाइक एन एग्जांपल दैट यू आर गिविंग कि इंडिया ने प्रोग्रेस कर लिया, पाकिस्तान ने नहीं किया. ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया जब पार्टीशन हुआ, इंडिया को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल, उसके हिसाब से जो एरिया था, प्लस बाप थे हम, तो बेटे को जो उसका हक देना था दे दिया हमने उसको. ठीक है, अब बेटा अगर अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसमें बाप की गलती नहीं है भाई. अगर वो अपने घर नहीं बना पा रहे, नो वन हैज टोल्ड देम कि तुम अपने बिल्डिंग्स के नीचे बॉम्ब शेल्टर मत बनाओ. खुदाई तो करते हो ना, तुम भी बना लो. अगर तुम नहीं बना रहे, वो इसराइल का गलती नहीं है वो. अगर तुम एक दिन में 100 मिसाइल्स इसराइल के ऊपर मारोगे और वो आयरन डोम उसको प्रोटेक्ट करेगा एंड देन इवेंचुअली इसराइल रिटेलिएट करता है, हाउ इज इसराइल रॉन्ग इन दैट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट ऑल स्टार्टेड विद अ लिटिल रकस विद इन अ मार्च दैट वाज गोइंग ऑन. ठीक है, वहां पे स्टोन पेल्टिंग हमास के चेहरे ने करी, एक पैलेस्टीनियन ने करी, एक मुस्लिम ने करी या एक इजरायली ने करी? वेयर डिड द फर्स्ट स्टोन कम फ्रॉम? ठीक है, नाउ थिंक ऑन दिस पर्सपेक्टिव स्टाइल कि हम हमास टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, आई अग्री. ठीक है, इवन वन ऑफ द पैलेस्टीनियन कांग्रेस वुमेन हुम आई टैग्ड यस्टरडे, शी हैड आल्सो अग्रीड टू द सेम. ओके, नाउ ये कभी जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमास को पैलेस्टीनियंस का नाम दे रहे हैं
जिससे क्या है कि पूरे पैलेस्टीनियंस का नाम खराब हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, पाकिस्तान में भी हैं यार अच्छे लोग, ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ लोग जो बुरे हैं उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान खराब है, बट अंडरस्टैंड, यहाँ पे अगर हम हमास के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो वी शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑन पैलेस्टीनियंस, वी शुड रेज अ क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टेरर ऑर्गेनाइजेशन। रही बात, कौन उस टेरर, किसी ने यहाँ लिखा था कि पैलेस्टीनियंस ओनली यू नो स्पेंड मनी ऑन एम्युनेशंस एंड गन्स, हु आर सोर्सिंग देम गन्स, एंड सिंस व्हेन द सोर्सिंग ऑफ द गन्स इंक्रीज्ड पोस्ट ट्रंप एग्जिटेड और पोस्ट ट्रंप स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस, व्हाई डिड वन ऑफ द बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस वुमेन केम अप टू बीबीसी एंड स्टेटेड दैट यू नो द $4 बिलियन पर ईयर दैट यूएस इज गिविंग टू इजराइल शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ हैज नेम्ड इट अ वॉर क्राइम। तो जब यूनाइटेड नेशंस ने सामने आके बोल दिया है, अब ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस ने सामने आके बोला मतलब ऊपर कौन बैठा है, ऊपर बैठा है बाइडेन, ठीक है, सुपर पावर यूजुअली रन्स यूनाइटेड नेशंस इन अ वे, ठीक है, बी इट मॉनिटरीली और बी इट देर आर अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक डिसीजंस जो यूएस के बिना पास ऑन हुए नहीं जाते हैं यूएन के थ्रू भी, ठीक है। अब अगर बाइडन एक तरफ से सपोर्ट भी कर रहा है यूएस मिलिट्री, दूसरी तरफ से हमास टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लोसिव्स, एम्युनेशंस, ये सब भी प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्टली नहीं कर रही, ऑन पेपर्स नहीं कर रही, बट वो यूएस से ही जा रहा है मोस्टली, ठीक है। तो एक तरह से ये कैन यू नॉट थिंक ऑफ इट एज इट दैट पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू इग्नाइट दैट फायर बींग अ सुपर ऑब्वियसली पावर। भाई, सी, पीपल आर गोइंग टू इग्नाइट इट, ठीक है, बट दैट इज नॉट द टॉपिक एजेंडा यहाँ पे आज का, ठीक है, कि कौन इग्नाइट कर रहा है. यू नीड टू सी इट एट अ वेरी रूट कॉज वाला सिचुएशन पे और जो एक मैंने. और चीज है, एक और चीज लोग यहाँ कह रहे हैं, प्लीज डोंट एक्ट विक्टिम, आई एम नॉट एक्टिंग विक्टिम, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ डेविल्स एडवोकेट टुडे रादर द फैक्ट दैट आई वाज, खैर ठीक है, लेट इट बी, या बोल्स दैट। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई, एक तो तू ना बीच में बुला देता है यार मुझे, है ना, ठीक है. याद कर हाँ, ले, कोई नहीं, बहुत टाइम है। तो लोग भड़काएंगे, ठीक है, वेपन सेल हो, वेपन सेल करने के लिए या मॉनिटरी गेन्स के लिए, कम्युनल गेन्स के लिए, उन सब चीजों के लिए. बट दैट इज नॉट द एजेंडा यहाँ पे, ठीक है. मे बी वी कैन डू सम अदर डे कि यूएस का रोल क्या है, किस तरीके से वो स्पॉन्सर कर रहा है किस किस पर्टिकुलर पार्टी को और कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, भारत, वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री यहाँ पे, ठीक है, कि यहूदियों की हिस्ट्री क्या रही है उस पर्टिकुलर रीजन में, किस तरीके से उनका शोषण हुआ, किस तरीके से एग्जैक्टली उनका आगे बढ़ा, ठीक है. नाउ एंड एंड सी द रिपरकशंस, सी द रिपरकशंस ऑफ दिस अनफॉर्चुनेट नेशन दैट वी आर सिटिंग इन राइट नाउ, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, ठीक है. जस्ट लुक एट द आयरनी ऑफ 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 रिलीजियस वैल्यूज, ठीक है, देश के ऊपर रिलीजन की जो का जो सिनारियो है ना, वो इस देश से बेटर कोई नहीं समझ सकता. राधिया अभी चैटर में कह रही है, व्हाट अबाउट आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हु वी लव जिहादी जिहाद बोल के कपल्स को मारते हैं, ठीक है, सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. आई गिव यू एन एग्जाम्पल यहाँ पे भारत, ठीक है. नो वन, अभी जो भी जिसका भी मुस्लिम नाम है इस चैट रूम में, नो वन इवन वंस एक्नॉलेज्ड कि यहूदियों के साथ बुरा हुआ, ठीक है. नॉट इवन वन कमेंट दैट आई कैन, और एटलीस्ट अगर मिस किया है तो दोबारा लिख दो, ठीक है. नॉट इवन वन कमेंट दैट आई कुड सी. फ्रांस में कोई एक कैरिकेचर बनाता है या कोई कार्टून बनाता है, ठीक है, उसकी मुंडी साफ कर दी जाती है, उसका प्रोटेस्ट भिंडी बाजार तक में होता है कि इमानुएल मैक्रॉन की फोटो जमीन पे टांग के, जमीन पे चिपका के उसके ऊपर लोग चलते हैं, ठीक है. पाकिस्तान में 23% से 2% हो जाता है हिंदू. ना हिंदू कुछ बोलता है, ना हिंदू के यहाँ पे जो सेक्युलर भाई दूसरे रिलीजन के हैं वो कुछ बोलते हैं, एक शब्द नहीं निकलता किसी से. क्यों? बिकॉज पीपल हु क्लेम, एंड आई डोंट क्लेम, पहली बात तो ये हिंदुइज्म कोई रिलीजन है ही नहीं, इट्स अ कल्चर, एंड आई एम नॉट क्लेमिंग कि इट्स परफेक्ट, ठीक है. पीपल हु क्लेम कि माई रिलीजन इज परफेक्ट, ठीक है, शुड गो एंड लुक हार्ड इन द मिरर एंड सी एंड से एंड एक्सेप्ट कि
जो हुआ यहूदियों के साथ, क्या वो सही था? एंड इफ दिस इज सही था, देर इज नथिंग दैट यू कैन से जो उनको कन्विंस कर सकता है कि भाई सॉरी बोलो, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। ठीक है ना, ऐसे लोगों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू अपोलोजाइज, पीपल हु डोंट वॉन्ट टू प्रोग्रेस अबव रिलीजन। ठीक है, जैसे इंडिया में लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंडिया 1976 से सेक्युलर स्टेट हो गया। ठीक है, सेक्युलरिज्म इज अ बुलशिट एजेंडा ऑफ दिस हिपोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम दैट इंडिया हैज। ठीक है, बट सेक्युलर बना दिया गया देश को, और उसके बाद बोला गया कि भाई तुम खेलो एक दूसरों के साथ। ठीक है, एक दूसरों के साथ खेलो तुमको, क्योंकि हमको मजा आ रहा है। एंड नो वन इन द चैट रूम, नो वन इन ऑन माय ट्विटर, ऑन माय फेसबुक इज इवन गोइंग टू अक्नॉलेज द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज इट मेक्स देयर लाइफ कन्वीनियंट। इट मेक्स देयर लाइफ वेरी कन्वीनियंट व्हेन दे रिजेक्ट द फैक्ट्स एंड ओनली थिंक फ्रॉम द रिलीजियस सेंटिमेंट। मेरा रिलीजन परफेक्ट, ठीक है, मुस्लिम्स मर रहे हैं, मुस्लिम्स मर रहे, यहूदी मर रहे थे, कहाँ गया था तुम्हारा रिलीजन? तो एक जब बात हिंदू बता, जो ये कहना चाह रहा है कि ओवर 133 पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, इनोसेंट लाइव्स इन गाजा, यू मीन टू से दैट दे जस्ट डाइड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन? एंड व्हाई डू वी हैव टू गेट रिलीजन इन अ वॉर? इफ इट्स अ वॉर, अच्छा ठीक है, इफ इट्स अ वॉर, आई डोंट वांट टू साउंड इनह्यूमेन यहाँ पे। ठीक है, आई डोंट वांट टू साउंड इनह्यूमन यहाँ पे। द फैक्ट इज कि जो लोग मरे हैं गाजा में, दे शुड नॉट हैव, बट देन अगेन जब वॉर होती है ना भाई, तो लोग मरते हैं, इंडिया में भी मरते हैं बेचारे, पाकिस्तान में भी मरते हैं ठीक बेचारे, है इंग्लैंड में भी मरते हैं, हर जगह मरते हैं। अग्रीड अग्रीड, ठीक बट है, वी डू नॉट हैव टू गिव इट अ नेम ऑफ रिलीजन ना ब्रो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पीपल वी डोंट हैव टू, तभी मैं हैव कह रहा मेड इट हूँ, अ तभी मैं कह रिलीजन। रहा हूँ मेरे भाई, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो हिस्ट्री है, जब हमने हिस्ट्री से शुरू किया फलस्तीन का, जहां पे यहूदियों को निकाला गया, तो वो रिलीजन के लिए नहीं कर रहा था मैं कि अब भाई अब यहूदी को यहूदी बोलूंगा ना, और कुछ तो बोल नहीं सकता ना मेरे भाई, कि अगर उनको मारा गया तो उनको यहूदी बोलूंगा। अब उनको ब्रिटिशर्स ने मारा तो ब्रिटिशर्स का भी नाम लिया, ऐसा तो सिर्फ बोला नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ने मारा, ब्रिटिशर्स ने भी मारा। ठीक है, मुस्लिम्स ने भी मारा, और भी कोई रहा होगा उन्होंने भी मारा। ठीक है, हर किसी ने मारा, तो ये रिलीजन रिलीजन खेलने की बात है। अब मेरा नाम संदीप है भाई, अब मुझे तो हिंदू ही बोलेगा ना, मुझे पारसी तो नहीं बोल देगा ना तू। तो अगर मैं कोई किसी को मुस्लिम बोल रहा हूँ या किसी को अगर मैं यहूदी बोल रहा हूँ, तो इट्स नॉट एन इंसल्ट, इट्स द आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी से मुंह छिपाने की क्या जरूरत है यार? अगर मैं हिंदू हूं अच्छा तो मैं हिंदू हूं, और अगर गाजा में लोग मरे, विच शुड नॉट हैव हैपेंड, बट देन अगेन ब्रो, जब दो देश एक दूसरे से लड़ते हैं, डेथ्स होती हैं, दैट इज द फ्रिकिंग अगली रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। इसराइल में भी लोग द मरे, ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट इट्स नॉट अ कंट्री वर्सेस अ कंट्री, इट्स अ कंट्री वर्सेस अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बीइंग एग्जैक्टली। नेम्ड एज अ कंट्री। डिड आई से कि मुस्लिम्स ने कुछ किया है? हमस का ही नाम लिया ना कि हमस ने अटैक किया। मैंने ये बोला कि यहूदियों का जो लैंड है, दे वांट इट बैक, दे वांट टू रिमेन देयर। हाउ इज इट रॉन्ग? ठीक है, हाउ इज इट रॉन्ग? अब उसमें इफ इंडिया अटैक्स, अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करता है और जाके पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को मार के आता है, ठीक है, डू यू से दिस कि टेरर कैंप्स को मारा, और डू यू से कि इंडिया ने पाकिस्तान में टेरर कैंप को मारा? डू यू नॉट से दैट हाँ वो तो ऑब्वियस है, इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया? वही ऑब्वियस है। बोलते हो ना, तो यही बोलोगे ना भाई कि इसराइल ने फेलिस्तीन पे अटैक किया। दैट्स व्हाट द स्टोरीज आर सेड कि फेलिस्तीन एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, हम इसराइल के साथ, हम पैलेस्टीन के साथ। अरे इंसानियत के साथ कौन है यार मेरे भाई? एक बात बता, एक बंदा यूएस का प्रेसिडेंट बन के बैठा है, उसी का पैसा चल रहा है इस वॉर में, उसी के यू नो गन पावर यूज हो रही है, आयरन ड्रोन भी एक तरीके से यूएस ने फाइनेंस किया हुआ है। ठीक है, सो ऑल ऑफ इट इज सो कनेक्टेड विद यूनाइटेड स्टेट्स दैट वो वहां पे बैठ के व्हाइट हाउस के अंदर एक शो देख रहा है जहां पे दो रिलीजन आपस में लड़ रहे हैं और पूरा वर्ल्ड उनके ऊपर अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहा है। सो अंडरस्टैंड दैट व्हाई ऑल ऑफ अ सडन जस्ट यू नो व्हेन बाइडेन टुक द चेयर दैट्स व्हेन दिस हैड टू हैपन। इट वाज द 54th एनिवर्सरी ऑफ देम कैप्चरिंग ईस्ट जेरूसलम, राइट, फॉर दीज इजराइलियंस।
डूइंग दैट पर्टिकुलर मार्च जहां पे हमास ने अटैक किया था स्टोन पेल्टिंग के थ्रू, जहां से ये चीजें एक्चुअली में एस्केलेट हुई है. तो इजंट इट समथिंग टू एक्चुअली थिंक अपॉन कि व्हाट इज एक्चुअली, मतलब क्या हो क्या रहा है? इज अनदर वर्ल्ड वॉर ऑन द ब्रिंक? नोबडी नोज. ब्रो कार्मिक इज हियर. कार्मिक हेलो हाउ आर यू? I love what you're wearing. The color and the Rudraksh. ये पहले का है, ऐसा स्पेशली किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है, ये पहले से पहना हुआ है. दिस इज थिंग न्यू टू इट. आई एम नॉट ट्राइंग टू पोक एनीवन और यू नो ट्राइंग टू फंडामेंटली प्ले विद द इमोशंस. समवन इन द चैट रूम कार्मिक, आई नो यू वांट टू गो बैक टू हिस्ट्री. हिस्ट्री मैंने भी थोड़ा सा शुरू किया था, बट आई वांट टू थ्रो अ कमेंट एट यू. ठीक है, एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट फर्स्ट एंड देन मे बी स्टार्ट ऑफ विद व्हाट यू वांट टू शेयर. किसी ने अभी 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 चैट रूम में किसी ने बोला कि हमस इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम. सो योर रिएक्शन टू दैट एंड देन ये बेवकूफ भाई, हम नेम शेम नहीं करना चाहता, आई जस्ट गिव यू. नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये वो अंसारी तो नहीं है? ये राधिया जी हैं जो काफी देर से कह रही हैं कि हमारा रिलीजन परफेक्ट है और इंसान गलत होते हैं, हमारा रिलीजन परफेक्ट है, व्हिच आई डोंट वांट टू कोई. वो बात ठीक है, बट हम वो ठीक है, वो हर रिलीजन एक ही चीज सिखाता है दिखाता है, वो सब ठीक है. अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब इस्लाम में 95 फीसदी टेररिस्ट, सी देयर इज अ डिफरेंस, सी ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स is one statement, all Muslims are terrorists is another statement. The second statement is absolutely wrong. I don't say that all Muslims are terrorists. Okay, in fact, I would say that 95% of Muslims, even I know them, they are, you know, fantastic people. And I have great respect for them. Some of my closest friends are Muslims. But the problem is that out of these 5%, okay, which are non-brotherhood loving, not global in their approach and you know very very fanatic, bahut zyada actor, inki jo tadad hai na, ye 5% ki tadad, ye 5% ki tadad actually 90% tadad ban jati hai of terrorists. Are you getting the difference? You know, 5% of Muslims which are not social actually end up forming 90% of the terrorist organizations in the world. Isiliye hame you know प्रॉब्लम हो जाती है दारुल इस्लाम से, हमें प्रॉब्लम हो जाती है यू नो जितने भी कट्टरवादी इस्लामिस्ट फैनेटिक्स होते हैं. एंड हमास, लेट मी एजुकेट हूएवर दिस यू नो लेडी इज, एंड आई एम श्योर शी हर नॉलेज कैन बी करेक्टेड. हमास का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें मैडम, उस मैनिफेस्टो में या उनके चार्टर में, उनके एम्बलम में ये लिखा गया है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो इसराइल को निस्तो नाबूद नहीं कर देंगे, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा कर नहीं रख देंगे. कौन सी कंट्री ऐसा कहती है? कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कहती है, बताइए मुझे. इसमें आपको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छिपी हुई नहीं नजर आ रही है? अगर आपको नहीं नजर आ रही है तो आई एम सॉरी, आप अंधे हैं. अब नहीं, कार्मिक, आई गेस आई एम सो सॉरी, बट एज फार एज आई रेकन Israel had also, you know, stated such kind of a statement day before yesterday that they won't stop until and unless, you know, Hamas is destroyed completely from the planet. Are you talking about day before yesterday? I am talking about the charter of Hamas. The charter of Hamas. Sorry, एक point, Karmik, sorry, मैं बीच में interject कर रहा हूँ. I'll let you continue. Bharat, यहाँ पे understand the difference. He's talking about a charter and he's saying ki country ko destroy karne ka, and Israel is saying ki Hamas ko destroy karne ka. There's a difference. Aap country ko destroy karo aur aap ek terrorist organization ko destroy karne ki baat karo, usme difference mein hai. Karmik, continue. Yeah, no, I want to explain, Bharat, that Hamas has gotten into genesis when it was in its embryonic phase in the early 70s. Okay, at that time, the main and the principal agenda and the reason why Hamas came into existence was for the destruction of Israel. And they are unequivocally vociferous about it. And they unabashedly stick to their agenda and goal. And they have mentioned it in writing in their manifesto or their charter, which is equivalent to a constitution or a charter of like hamari BJP agar ek party hai, ya Congress ek party, to uska ek manifesto banta hai ki ye hamare agenda hai, ye hamari ideology hai, ye hum karenge desh ke liye.
उसी तरीके से हमस ने या आईसिस ने अपने चार्टर में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं विच आर एब्सोल्युटली एंटी पीस. और हमस ने तो ये बोला हुआ है कि वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डिस्ट्रॉय इजराइल फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. एंड इफ यू डोंट बिलीव मी प्लीज गो इन, छोटा सा 10 सेकंड का गूगल रिसर्च है, डू इट. Now, from where I started off, Karmic, I'll just give you a little background of what I talk about. कि किस तरीके से Ottoman Empire के बाद, फिर उसके बाद जो World War finish हुआ, फिर 47-48 में जिस तरीके से Britishers ने एक partition का तरीका बनाया Christian nationals का and Muslim nationals का and Jews का. Israel accepted it and how Arabs were showing their nakras ki humko accept nahi hai Israel ka existence and all those things, and how the skirmishes and the violence and the in between fights have been going on, and kis tarike se all Arab countries every second year they gang up aur har taraf se Israel ko attack karte hain. The Six Day War is a very prime example of it. The war of 1948 is a prime example of it, jahan pe Israel akela khada hoke lada. Now I started from those point of views, theek hai, ki kaise ek सिस्टमैटिक एक पैटर्न के थ्रू जो वहाँ का एक नेचुरल इनहेबिटेंट था जो यहूदीज थे, किस तरीके से उनका बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ कश्मीर एंड कश्मीरी पंडित्स कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली उनको बाहर खदेड़ा गया, बट बाय द वर्च्यू ऑफ लेट्स से देयर डेडिकेशन देयर कमिटमेंट और व्हाटएवर द हेल यू वांट टू कॉल इट एज, किस तरीके से उन्होंने वापसी की एंड दे क्लेम्ड बैक व्हाट बिलोंग्ड टू देम ओरिजिनली. So that is where I started from, and that is how I went about. जहाँ पे बाद में ये हो गया कि अरे you are supporting, you are against Palestine just because they are Muslims. So this is how I started. Do you want to throw some light on that? Yeah, you know what? I want to go back to 6,000 years. In 5,000 BC, Jews are the people who actually wrote the Bible. The first five books, the Pentateuch, the four books were written by Moses. Okay, a lot of people may not be aware of it, but the Christian Bible, which is followed by millions and millions of people all across the world, was actually written by Jews. But what did Christians do when the Roman Empire came into existence? Okay, even before the Ottoman Empire, even before the Byzantine Empire, even before the Mesopotamian Empire, what did the Roman Empire do? They blamed the Jews for actually killing the Christians. ये तो वही बात हो गई ना कि मुसलमान जो इस्लाम के जो लोग हैं उसमें से 5% जो मुसलमान हैं वो टेररिस्ट हैं, तो आप पूरी की पूरी कौम को रिलीजियसली परसिक्यूट कर दो. तो ज्यूज का ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन है ये तब से चलता आ रहा है, तब से लेकर होलोकॉस्ट तक जो हिटलर ने किया टिल 1945. ज्यूज आर द मोस्ट रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज इन द वर्ल्ड, बिगर देन एनी अदर. Only maybe Parsis who could be bigger, but Parsis have only themselves to blame. At least Jews are standing up for their rights. Their raay durust hai, main to yahi kahunga. Okay, jo Britain ne, and tumne bahut acha kiya ki ye logon ko samjhaya aur bataya ki it was the UK who had colonized that entire, you know, belt of Central Asia, which was getting into, you know, Africa. So that entire Mediterranean region was actually colonized by the British. अंग्रेजों ने जो भारत के साथ किया, एक बेवकूफों के जैसे दो लाइन खींच दी, एक ईस्ट पाकिस्तान बना दिया और एक वेस्ट पाकिस्तान बना दिया, उसी तरीके से उन्होंने जॉर्डन, सीरिया, लेबनन और इजराइल के आसपास लाइन खींच के एक बेवकूफ टाइप कंट्री बना दी पैलेस्टीन. अगर आप पैलेस्टीन का मैप देखोगे तो वो कंट्री कुछ 100 टुकड़ों में बटी हुई है, जिसमें से एक गाजा की जो स्ट्रिप है सिर्फ वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रिप है. उसके अलावा वेस्ट बैंक में जो इजराइल के वेस्टर्न साइड पर है, देयर इज सो मच ऑफ टूटा फूटा लैंड जिसको हम पैलेस्टीन मानते हैं. मेरे हिसाब से पैलेस्टीन इज नॉट इवन ज्योग्राफिकली वेल डिफाइंड टू बी कंसिडर्ड एज अ कंट्री. एंड एनीबडी हु कैन जस्ट अंडरस्टैंड द मैप फ्रॉम अ वेरी नॉन साइंटिफिक एंड अ वेरी लॉजिकल पर्सपेक्टिव, ओके, विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस विद मी. आप ऐसे कैसे कंट्री बना सकते हो, मान लो आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो बाय रोड, तो आप गुजरात चलते चलते पाकिस्तान में पहुंच जाओ, गुजरात के थोड़ा आगे जाओ तो फिर इंडिया आ जाए, फिर थोड़ा आगे जाओ तो राजस्थान नहीं पाकिस्तान आ जाए, फिर थोड़ा आगे जाओ तो फिर पाकिस्तान नहीं इंडिया आ जाए. ऐसी कोई कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिवली चल सकती है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो. सो व्हाट दे हैव डन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग.
And Israel has done really well to try and consolidate its entire, you know, cultural and geographical identity by giving it a political backing. और पैलेस्टीन ये बैकिंग नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. क्या यूएन हमास को मानता है? क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो हमास को मानती हैं? यूके भी कहता है कि हाँ एक 25% विंग है हमास का विच इज मिलिटेंट एंड टेररिस्ट की जो है पोलिटिकल है. कोई भी डेवलप्ड कंट्री हमास को एक पोलिटिकल आउटफिट का दर्जा नहीं देती है. दे हैव नो वोटिंग राइट्स. तो आप कैसे समझ सकते हो कि हमास इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द पैलेस्टीनियंस? क्या किया क्या उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे? क्या किया? बस रॉकेट छोड़ देते हैं. अगर आज की तारीख में इसराइल के पास उनका एंटी रॉकेट डोम सिस्टम जो है, जो मिसाइल्स को ट्रैक कर करके जो हवा में ही, मतलब इन लेमैन टर्म आई एम टेलिंग यू ताकि सब समझ जाए, हमास वहां से रॉकेट छोड़ता है, यहां से इनका डोम सिस्टम जो है रॉकेट्स को ट्रैक करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है. 99.9% रॉकेट्स जो हैं वो हवा में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आप सोच लो कि अगर वो 10% रॉकेट्स भी अगर इसराइल को हिट करते तो वहां पे जान माल का कितना नुकसान होता. आप सिर्फ हमास के लोगों और हमास प्रोपोगंडा करता है. इतने सारे प्रोपोगंडा वीडियोस आपको मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दोगे. Exactly. और बच्चों के को बुरखे, और मैं तो कहता हूँ बुरखे और स्कूल बैग के पीछे छुप के वो गोलियां मारता है. दैट इज ऑल दैट इट डज. Now, surprisingly, Karmic, एक बारी भारत को दोबारा से ले लेता हूँ. I don't know why he's coming and going. I know Rahul, Gaurav, Dipankar, I know you're at the backstage. Later on, मैं आप लोगों को just give me a few more minutes. ठीक है. यहाँ पे Karmic, एक example मैंने, example क्या, एक fact मैंने basically ये दिया था कि किस तरीके से Christians का और Muslims का जो prophet का जो fight है, कि last prophet हमारा कौन, हम किसको मानेंगे. ठीक है, कि फाइट बेसिकली उसकी है कि किसका रिकग्निशन और किसका क्लेम ज्यादा ऑथेंटिक है. जेरूसलम और वहां का जो मस्जिद है अल अक्स, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट अगेन करेक्टली, कि कैसे पहले जो प्रेयर करते टाइम मक्का की तरफ जो मूव होता था कि जेरूसलम पहले था और उसके बाद मक्का हुआ, एंड दैट इज व्हाट द फाइट अबाउट जेरूसलम इज ऑल. एक रिलीजियस सेंटिमेंट का फाइट है. देयर इज नो रैशनल बिहाइंड इट कि इसका या उसका. इट्स ऑल रिलीजन बेस्ड. इट्स कंप्लीटली sentimental to say the least. Okay, if I'm saying it correctly, you can correct me if you want to. Do you think ki if everything has to be seen at a religious value at its face, then how does it make a difference whether we call it a fight of Yahudis or Christians or Yahudis or Muslims or Hindu or Muslims or whatever? Kyunki agar to wo fight us emotion pe based hai, then no one is going to give up. Everyone is going to say ki ha bhai hamara hi perfect, ha bhai humne hi sahi kiya. Muslims are going to say ki ha humne yahudiyon ko maar ke sahi kiya, hamara land tha. Yahudi bolte rahenge ki ha humne maar ke sahi kiya, humne reclaim kiya hai. But don't you think somewhere people have to realize, jo thodi main baar baar maine ye cheez bola ki bhai, once a sorry, when you say sorry, it goes a long way. And you know, even rectifying 1,000 years of bad of history, do you think people just don't want to say sorry because they are so picture perfect in the religion ki mera religion perfect aur maine tumhara shoshan kiya wo to mera haq tha aur wahi cheez wahi kahani chalti ja rahi hai aur uske basis pe ye ladai chalti rahegi aage bhi. Yeah, see, I'll tell you what you're saying ideally and in books and philosophy wise it's all fantastic, but in reality it doesn't work like this. I'll simplify this and I'll give you the example of the Babri Masjid and the Ram Mandir issue, which is more closer to you, more dearer to you, and more understandable to everyone who's watching over here. We all know that the Babri Masjid was existing only after the 17th century, when 16th century, when the Mughals came over here. Before that, Ram Janmabhoomi is the archaeological evidence which is present over there. Ab agar Musalman hame ye bol dete ke sorry, we know that वहां पर मंदिर था, बट अब हमने वहां पर मस्जिद बना लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आप चुप बैठते नहीं? Because that sorry wouldn't help. You know, you would still say कि भाई मेरा 9000 साल पुराना रामायण, तुम्हारा साला सिर्फ 1600 साल पुराना इतिहास. And I don't mean साला in a way where I'm trying to demean Islam. Absolutely not. I think
it's a beautiful religion when taken into the right context. Unfortunately, a lot of people end up taking into the wrong context, especially because of jihad and, you know, Allah and hamara hi Allah hai aur koi sahi bhagwan nahi hai, nark and dozak ka concept and all of that. But behral, another example I want to give you why this story will not work is the majoritarian population, which demands a certain expectation from the government. For example, the Hagia Sophia Mosque, which essentially in Istanbul, I'm talking about Turkey. ठीक है, बुर्दगान ने क्या किया, जो पिछले 200-250 साल से एक मसला था कि इसे इसे चर्च बनाए या इसे मॉस्क बनाए या इसे जैसे म्यूजियम बना हुआ है वैसे ही चलने दे, इस मसले को अर्दोगान ने आके खत्म कर दिया. वाई? बिकॉज द पॉपुलस डिमांड ओके इन टर्की इस्तानबुल वॉज टू टर्न हागिया सोफिया फ्रॉम अ म्यूजियम टू अ मॉस्क, वेयर इज इन रियलिटी 2200 years ago, it was a church. Since 200 years, it has been considered and converted into a museum. क्यों? क्योंकि second century में जो Mongols हैं, वो आए, and you know that Turkey was actually a Christian land. ठीक है, वो आए, the Mongols came and they spread Buddhism, and then after that the Ottoman and the Byzantine Empire came, they overtook the Mongols and they spread Islam. And it has continued to remain an Islamic state. Okay, Turkey. तो क्या वो Turkey अगर Christians को sorry बोल दे या Christians इनको sorry बोल दे तो क्या populist demand meet होगी? हमारे यहाँ पे जैसे mob lynching हो गई काफी लोगों की गौ रक्षकों की वजह से, अगर वो जाकर उन लोगों को जिनकी lynching हो गई उनको sorry बोल दे, will it work? It doesn't work like that. It's only a philosophical thing. तुम और मैं अपनी गर्लफ्रेंड या तुम अपनी गर्लफ्रेंड और मैं अपनी वाइफ को सॉरी बोल दूं तो चल जाएगा, बट हिस्ट्री में और इतनी बड़ी चीजों में वो चलता नहीं है. देयर हैव टू बी रेपरेशंस एंड देयर हैज टू बी एक्चुअल एक्शन व्हिच इजराइल हैज टेकन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. नाउ यू से यू आर प्राउड ऑफ इट, हिस्ट्री की बात कर ली, वी गिव फैक्ट्स जो लोग मानने को तैयार नहीं है. ठीक है, नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग कौन है ये लोग जो मानने को तैयार नहीं है, हमने थोड़ी लिखे हैं. अगर वो 10 मिनट गूगल पे बिताएंगे जहां से तुम्हें मिले हैं मुझे मिले हैं उन्हें भी मिल जाएंगे, हम थोड़ी ना अपनी कहानी लिख के खुद बना रहे. कौन है ये लोग जो नहीं मानने को तैयार है? तो है वो चाइल्डहुड मूवमेंट. नाउ दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिस्ट्री, चलो इट्स ओके. नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इफ आई कीप द सेंटीमेंटल वैल्यूज अराउंड, इफ आई इग्नोर दीस पीपल, ठीक है, द फैक्ट्स जो जैसे मैंने आपको एक क्रक्स बताया स्टार्टिंग में, जो आप तो 5000 साल पीछे गए, मैं सिर्फ 150-200 साल पीछे गया था. ठीक है, मैं उससे ज्यादा पीछे गया भी नहीं था, 200 साल पीछे गया था, ऑटोमन से शुरू किया था, बट देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. कि अगर एक नेशन के साथ ऐसा किया गया, एंड इट्स अ प्रूवन हिस्टोरियन फैक्ट, एंड व्हेन दिस नेशन इज ट्राइंग टू राइज लाइक अ फीनिक्स, ठीक है, then it's targeted, a concentrated target hai from the Arab countries on Israel. Six Day War was an example, aur abhi aap dekh lo, jaise if I'm not wrong, Jordan ne apna border khola tha mere khayal mein Hamas ko cross karne ke liye. One side of Jordan border was opened ki bhai tum jao, you do whatever the hell you want to do. Why this concentrated attack happens, and then when people say ki one particular side of a religion, maybe by certain leaders, I'm not saying all Muslims, maybe by certain leaders, they play a role in defaming the whole religion on the basis of just being that dictatorial attitude that they have, and they want to target Israel. Why do you think half of the world does not stand up with Israel most of the times? Even though they are right in defending their territory, even though the history supports them. Yeah, see, unfortunately, there is a political outfit out there, you know, which is interested in appeasement of Islam for a lot of vested reasons. Okay, those reasons are two or three. Number one, a lot of your oil producing countries, all your OPCs are majorly Islamic countries. And in case the appeasement politics fails, then obviously the oil control shifts a lot of world power in the hands of the GCC or the OPC countries. So you want to just keep appeasing them. And trust me, this appeasement is only at a superficial level.
ये ऊपरी तौर से ये बस की जाती है, अंदरूनी तौर से कोई भी कंट्री, कोई भी वेस्ट बैंक की कंट्री, एंड वेस्ट बैंक आई मीन, आई डोंट मीन द इजराइल वेस्ट बैंक, आई मीन कोई भी वेस्टर्न फोर्सेस, वेदर इट्स यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, द ईयू, नोबडी इज गोइंग टू एक्चुअली गो एंड डिसॉल्व एंड डाइल्यूट द सिचुएशन. Okay, the second and the most important thing, which also plays a lot of role over here, is that your EU nations and your US runs on war. You must understand that. They run their economy on war. Their power in the whole world is dependent on how destability is continued to existing in Central Asia, how lack of development continues to exist in Africa, how third world is considered and continues to exist in the east part of Asia. Very recently, India was also being considered as a third world. It is only after 2014 is where we have started coming out very, very vociferously in international platforms. So this is a very important reason ki wo chahte hain ki destability hamesha rahe taki unka control us region pe rahe. वो नहीं चाहते कि वहां के लोग इतने ताकतवर हो जाएं कि वो यूएस और ईयू को इग्नोर कर सकें. चाइना का इसमें इतना बड़ा रोल है. यू विल सी दैट व्हाटएवर ईयू एंड यूएस इज सपोर्टिंग, चाइना इज गोइंग ऑलवेज एंटी इट. व्हाई? बिकॉज इट वांट्स टू क्रिएट यू नो टू डिफरेंट कंटिंजेंट्स इन द वर्ल्ड. द ईस्ट वर्सेस वेस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू विल नेवर हैव, नेवर एवर हैव स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया, एंड यू विल नेवर हैव डेवलपमेंट in Africa. Okay. Ek bari Rahul aur Dipankar aaye, bari Rahul ke paas chalte hain. Rahul, quickly, what do you have to say? What do you want to share? Sure. I just saw your session style and karmic as well. I wanted to add a few points. So, you know, Hamas, before Hamas as well, I'll just go back to 1972. There have been a lot of terrorists stroke movements, resistance movements. There was one group called the Black September group of Palestine. Agar aapko yaad hai 1972 Munich Olympics mein, okay, ye Black September group ne Israeli athletics contingent ko attack kiya tha, and I think 5 coaches and 6 athletes died. Okay, and this has been the retaliation from the 1967 war. Okay, जब उस इसराइल का प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर थी, एंड यू नो, एंड देन दे वन द 1967 वॉर एंड दे स्टार्टेड यू नो कैप्चरिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन पैलेस्टाइन. सो एंड दैट टाइम आई थिंक उस टाइम में 1970s में टू वेरी इंपॉर्टेंट लेडी प्राइम मिनिस्टर्स वर इन द वर्ल्ड स्टेज. वन वाज गोल्डा मेयर ऑफ इसराइल एंड वन वाज इंदिरा गांधी यू नो फ्रॉम आवर नेशन. सो इनके जो पैलेस्टीनियन के रेजिस्टेंट ग्रुप्स है, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम. अगर किसी को याद है, कराची में 1990s में पनाम एक ये था विच वाज हाईजैक. हम लोग का एक इंडियन यू नो एयर स्टूअर्ड डाइड एज वेल. दैट वाज आल्सो बाय अ ग्रुप कॉल्ड द अबू निदाल ग्रुप ऑफ पैलेस्टाइन. द आइडिया वाज टू यू नो हाईजैक एंड इंश्योर इजरायलीज फ्री अ लॉट ऑफ पैलेस्टाइनियन यू नो टेररिस्ट. So this has been going on from a long time, from 60s and all that. So abhi obviously even PLO came, you know, Yasser Arafat tried to, you know, play the softball, try to ensure peace, but it didn't happen. Hamas came as a resistant movement, and you know, they started, you know, attacking the Israelis. The entire suicide bombing theory started from the Hamas thing. So ye bahut pehle ka hai. But the main thing is that agar aap dekhoge Judaism, Jews, okay, they've always considered themselves a very superior race, even in the scriptures and even in the Bible, they've been told as God's own chosen people. ठीक है, तो उनका हमेशा से एक यू नो अनफॉर्चुनेटली Jews, Christians and Arabs, okay, they themselves think very highly of themselves. So I'll give you an example. जब ये 1948 का Holocaust हुआ था, basically it was Europe who drew all the Palestinians to Israel, and Israel us time Jews mein hamesha ek hota hai ki God's promised land, ek promised land hota hai and all that, okay, but actually in the scriptures mein they are still waiting for their Messiah who's supposed to give them form a Jewish state. So anyways, I mean, who nowadays no one follows the scriptures. Coming back,
So a lot of these Jews went, a lot of these European Jews went to Israel, and some of them went to US. Ironically, agar aap observe karoge, Europe mein the Jews have never prospered. Okay, but if you see the Jews who went to the US have prospered a lot. I mean, look at, I think a lot of billionaires, American billionaires are Jews over there, including the platform which we're using, social media. But sab cheez mein log ye kiya hua. So Europe has obviously, you know, underplayed. As even 1945 mein jab World War II end hua tha, Winston Churchill never said anything for the Jews which were massacred. The entire European Union, Europe was divided into various parts in World War II. So they underplayed it. हाँ, उन्होंने एक पोलैंड ऑस्ट्रिच में एक मेमोरियल ये बना दिया फॉर द जूज एंड ऑल, बट देव नेवर यू नो नेवर एवर गिवन द राइट प्रिविलेजेस टू द जूज बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज दे थिंक द यूरोपियंस थिंक दे आर अ सुपीरियर रेस एंड द जूज थिंक दैट वो सुपीरियर रेस है, इसीलिए वो अमेरिका गए, जितने भी एंटरप्राइजिंग जूस थे वो अमेरिका जाके अपना मिसाल बनाया. टुडे वी नो सो मेनी अमेरिकन जूस आर डूइंग सो वेल. इनफैक्ट पीपल से दैट दे कंट्रोल द सेनेट ओवर दैट. आई डोंट नो हाउ फार दैट इज ट्रू और नॉट, बट वो है. कमिंग बैक टू द करेंट सिचुएशन, आई वुड से दैट यू नो आई बी अ लिटिल बिट फॉर द पैलेस्टीनियंस फॉर द सिंपल रीजन इज बिकॉज यू नो द एंटायर थिंग हैपेंड. I know style why you're laughing, but the entire thing happened. Yeah, while they were praying at the Al-Aqsa Mosque. Okay, and Al-Aqsa Mosque is considered to be for the Palestinians the holy place of thing. So obviously now Israeli police forces invaded that, and sort of they tried to drive away all the Palestinians. And they, I mean, eventually it's all boiled down to religious sentiments. Okay. And of course the retaliation started from there. You know, and obviously, which is wrong, Hamas. But Hamas, if you ask a Palestinian, they'll always support Hamas because for them, they are considered their crusaders for the Palestinians. Okay. It'll be a mixed bag. Bahut sare okay. Palestinians support nahin karenge, but a lot of Palestinians will support. Okay. No, style, I want to come in here. Rahul, are you done? I'm sorry, I didn't want to interject, but I want to give you some rebuttals. No, please. No, please go ahead. Okay. You know, I want to tell you a few things. Style Rug, sorry, I'm just going to take 1 minute. But you know, Rahul has to understand few things, which he's spoken very nicely and very calmly, but he has to understand a few things. Number one, it's not just Jews who think that they are a superior race. Exactly. Are you telling me that as Hindus today, we don't think that we are a superior race? We go tom-tomming around the world that Sanatan Dharma, Vasudeva Kutumba, hum wo वो हिंदू हैं जो नर नारी जीवन पेड़ पौधा कुत्ता बिल्ली यू नो प्लैनेट्स स्टार्स हम सबको भगवान का दर्जा देते हैं एंड वी आर द सुपीरियर रेस. क्रिश्चियंस बोलते हैं वी आर द सुपीरियर रेस. इस्लामिस्ट बोलते हैं दे आर द सुपीरियर रेस. तो जूस कोई अलग नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, जूस भी वही हैं, हम में से ही हैं वो लोग. दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विंस्टन चर्चिल इज नॉट द पर्सन हु जस्ट डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द जूस, बट ही वाज सच अ एनार्किस्ट and such a heartless, insensitive brute, because I don't even want to call him a man. He was an heartless, insensitive brute who called Indians who died for him in a war which was not ours, beastly people, people who deserve to be ruled forever, and people who should never be allowed to have a country of their own. These are words of Winston Churchill. Okay. The third thing I want to tell you is... going and entering into a mosque, agar aap ek religious shrine ko agar aap ek launch pad ki tarah use karte hain, okay, for attacking the procession which is going, because that is the intelligence which Israel had, and that has been proven because stone pelting stones were found inside, okay, inside Al-Aqsa mosque. To aapke hisab se Rahul, jo Indira Gandhi ne kiya, a very brave move in 1984, okay, Operation Blue Star, where Khalistani, jo Amritsar ke Golden Temple mein AK-47 lekar ghuse hue the aur Khalistan ka jhanda lehrane ke liye wait kar rahe the ki do din ke andar andar wo police ko aur sabko maar moor ke, army ko maar moor ke, wo apna jhanda wahan pe lehraayenge aur Pakistan se unhe support mil raha tha. So you are telling me that what Indira Gandhi did and what the Indian army did was wrong?
No, absolutely not. They did the right thing, but I'm not trying to justify. I'm saying if Indira, I just wanted a yes or a no. I'll come. You'll get your chance. I'm just saying that if your answer is no to this, then how can you say that what Israel did is wrong? They are on the West Bank side. That maximum of the region of the West Bank in Israel is controlled by the Israeli forces. The clear distinction border is only in Hamas, where Hamas controlled territory, which is called the Gaza Strip. So what Israel did is not wrong at all. Going by your answer, which is Indira Gandhi did not do anything wrong. Okay, Karmik, can I just rebut you on this? Okay, if I may. Okay, so firstly, as per the UN Charter and the Oslo Accord, which was signed, okay, the West Bank is a clear territory of Palestine. Ye charter mein likha gaya. Okay, now obviously now legally. Okay, legally, Palestinians have the right to stay over there. Okay, and the area is still controlled under the Israeli forces. Now, what they are doing, because they want to extend their sovereignty, they are putting a lot of settlers over there. Okay, about 6 lakh settlers are already there in the West Bank. Okay, apart from Gaza. So, as per the UN Charter, East Jerusalem is supposed to be a part of Palestine, which obviously Israel will not accept that, and they don't follow by the guidelines of the UN Charter and the Oslo Accord, and they will obviously capture. So they are being an expansionist regime, something like what China, if you think what China did last year, we stopped them, right? I mean, that was wrong. They were trying to expand their sovereignty in LAC, we stopped them. Similarly, obviously, no, we are not Palestine, and obviously, humne eid ka patthar diya, ye eid ka jawab patthar se diya, but over here, Palestinians have the right to be settlers in that region. Okay. Now, if they're denied the right and pushed by the Israeli faced forces, there will be repercussions. I'm not taking sides of the Palestinians. I'm not taking side of the Hamas. But we know how the Arab nations react to that. Okay, Arabs, they have a tendency. As per the UNSC Charter, okay. As per the UNSC Charter of 1948. There was supposed to be East Pakistan. That East Pakistan is today Bangladesh, and thankfully so. So if you're telling me that the UN Security Council is the alpha and omega of world politics and humanity, I am sorry. Today, hamari chhati pe bhi Pakistan baitha hota, aur hamari piche bhi Pakistan hi rehta. Okay, so I'm very glad what Indira ji did. And I'm very, very sorry, Rahul, that you are actually considering the UNSC Charter as the alpha and omega of humanitarianism and truth and fairness, because what Israel has faced over the last 6,000 years is not fair, my friend. Let me add one thing here. Rahul, I'm just putting you on mute, taki mujhe echo na aaye, kyunki mujhe zyada echo aata. Let me add something here. Vaise, Karmik, I'm not using it as a taunt, but let me just tell you that Rahul actually is a PR industry ka banda. He's a PR, he's a public relations guy, nothing against him, but he comes from the image. Rahul, I'm sorry if I'm coming very strongly, but it's just that my passion just sometimes gets the better of me. I'm sorry if I'm coming across very strongly to you. Yeah. Let me add. No, absolutely not. See, we as a PR profession deal with journalists day in and day out. He more or less has a different point of view, which is perfectly okay. We are here to discuss. We are not here to bicker at each other. But again, because you talked about your passion comic, let me add some Madhusudan ka ghee daal deta hu isme. Theek hai? And since we are talking about the Alpha Omega and the UNSC and UNO and United Nations and every Tom, Dick and Harry who puts forward their foot on every nation where they don't actually belong, let me put a little things in a little more perspective. Because since we are giving example of the UNO ne bola tha wahan pe ye hona chahiye tha, uska haq us pe tha. Bhai, UN ne ye bhi bola hua hai ki Pak occupied Kashmir se Pakistan needs to withdraw its army first. India has the right to keep certain amount of military presence to defend its territory and then plebiscite ho. घंटा हो गया प्लेबिसाइट, ठीक है, घंटा हो गया प्लेबिसाइट, उसके दरमियान में
ठीक है. एंड अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट फिंगर एट अ रिलीजन यहाँ पे, बट आई एम जस्ट गिविंग अ फैक्ट, जो फैक्ट है. और ये मेरा फैक्ट नहीं है, ये जिन लेफ्टिस्ट मीडिया का लोग एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, मे बी बीबीसी और सीएनएन और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स एंड सच काइंड ऑफ पीपल, ये उनके डॉक्यूमेंट्रीज है. ठीक है, राइट विंगर पे तो मैं गया ही नहीं, मैं उनके डॉक्यूमेंट्रीज की बात कर रहा हूँ जिनके, जहाँ पे उन्होंने वीडियोस दिखाया कि कैसे कश्मीर में मस्जिदों से आवाज निकलती थी, कि जो भी उर्दू में बोला जाता था कि यहाँ से लोगों को निकालो, यहाँ से लोगों को, अपनी औरतों को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, लड़कियों को छोड़ो और तुम यहाँ से निकलो. उसका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू कनेक्ट दिस थिंग टू अल अक्स एंड गोल्डन टेम्पल के एग्जाम्पल जो कामिक ने दिया, विच इवन आई वॉन्टेड टू गिव, कि आई डू नॉट थिंक फ्रेंकली स्पीकिंग एनी रिलीजियस प्लेस इज इम्यून फॉर एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो. अगर गोल्डन टेम्पल में AK-47 था, आर्मी हैड द राइट टू गो इनसाइड. अल अक्स में अगर स्टोन पेल्टर्स, और स्टोन पेल्टर्स तो भाई छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके बाद क्या क्या निकलता है, कहाँ कहाँ से कट्टे निकल जाते हैं, बंदूक निकल जाती है, तलवार निकल जाती है, कुछ नहीं बदलता. इफ दोज वर देयर द पुलिस वर राइट टू गो इनसाइड. अगर कल को किसी मंदिर में भी भाई अगर कोई कहता है कि वहां पे बम पटाखे पड़े हैं, वहां पे भी जाओ, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड. वहां पे अगर पाया जाता है वहां पे भी घुसो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी विच इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी शुड बी द प्राइमरी एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, उसमें रिलीजन का कोई रोल होना नहीं चाहिए कि अरे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते. अगर कुछ गलत हो रहा है, लेट देम गो इनसाइड. ठीक है, विंस्टन चर्चिल का एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ. चर्चिल और ये यूके वाले वो बनते हैं जो बंगाल फेमिन जब हो रहा था और जब वहां पे खाने को कुछ नहीं था एंड वहां पे लेटर लिख के भेजा गया कि भाई पीपल आर डाइंग यहाँ पे, उस बंदे के शब्द ये थे, व्हाई इजंट गांधी डेड येट. ठीक है, हम उन लोगों की बात करें, दोज आर द पीपल हु पार्टीशन्ड पैलेस्टीन इजराइल थिंग, दोज आर द पीपल हु पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान थिंग. और हम अभी भी ये मान के बैठे हैं कि उन्होंने जो बोला वो सही था. भाई उनका काम, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस दीज थिंग्स, एंड एनीवन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यहाँ पे दीज कॉलोनियल मेंटेलिटी वाले लोगों का और इन्वेजन करने वाले लोगों का मेंटेलिटी हमेशा से यही रहा है कि ये इनका फ्यूचरिस्टिक गेम है कि यू प्ले अराउंड ऑन अ लोकेलिटी इन अ मैनर कि तुम सालों साल झगड़ा करते रहो और हम अपना आराम से जिंदगी जीते रहे. ठीक है, दे विल नेवर अलाउ अ पर्टिकुलर रीजन टू सेटल डाउन. व्हाई इज इट इफ एट ऑल everything is so hunky dory in this world, why is it ki friday ko, again I'm not trying to raise finger yahan pe ki muslims galat hain ya you know hindu sahi hai and all those things, but it's a fact. aur ye bade, aur ye again mere words nahi hai, ye bade bade scholars hain jo islamists hain, hardcore islam follow karne wale, unke words hain jo inke against bhi bolte hain ki fridays ko mandir masjidon mein namaz padhi jati hai jahan pe bola jata hai ki ye allah hame kafiron pe fateh diya. kafir kaun hai, kaun hai kafir? ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट यहाँ पे कि नो रिलीजियस प्लेस शुड बी इम्यून टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी. अगर वहां पे कोई ऐसा एक्शन हो रहा है विच कैन रिजल्ट इन कम्युनल डिसहार्मनी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस बेसिकली इन योर कंट्री. UN चार्टर का मैंने आपको बता दिया. नाउ आई विल लेट दीपांकर कम इन एंड देन विल गो टू सुमित. वैसे कार्मिक भाई मैं आपको बता दूं, सुमित जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, हिज फैमिली इज बिलोंग्स टू दैट एरा ऑफ कश्मीर एक्सोडस. हिज फैमिली वाज वन ऑफ दोस पीपल हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कश्मीर, सो ही कम्स ऑन एंड ऑफ इन बिटवीन, सो वी विल हैव टू हियर फ्रॉम हिम सो वेरी सून. या दीपांकर, जय श्री राम, क्या हाल? जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, मिस्टर स्टाइल रग एंड मिस्टर वर्मा. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बोथ एट वर्मा, तो मैं सिंप्लीफाई करना दूँ. वर्मा जी, आपका सेशंस दोनों के बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी थी. सो आई एम हेयर टू डिसप्रूव द प्रोपेगेंडा मशीन ऑफ हमास. सो आई हैव अ स्मॉल वीडियो, वेरी स्मॉल वीडियो विच आई हैव गैदर टूडे. सो डेफिनेटली लेफ्ट लिबरांडूज आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस. सो द थिंग इज दैट video, I have verified the video is genuine because it has all the stamps. It has been captured today definitely by some of the spies of Israel. What are the contents of the video are very brief. The Hamas is asking some live people to lie down and they will put some bed sheets over them and they have to make a video that so many people have died and we will cry, make a hue and cry. Now the thing is that when they make a shoot of that, fine,
So the ants which are roaming on the ground, they start biting them and they start itching in the front of video. So dead is alive. That is what exposed. Because वो लेटे हुए हैं, उनके ऊपर चादर डाली हुई है, मगर इतनी जोर से चींटी काटती है कि वो सारे कपड़े हटा रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हें कपड़े डाल रहे हैं. कुछ लोग हटा के देख रहे हैं कौन है भी मरा है कि जिंदा है, तो वो फिर कपड़े डाल रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू सीक योर परमिशन बिकॉज इट्स स्ट्रिक्टली डिस्पोजेस डिसप्रूव द प्रोपेगेंडा मशीन ऑफ हमास. छोटा सा वीडियो है और टेलीफ्रेम से इसमें ये सब कुछ नजर आ रहा है. सर आप स्क्रीन शेयर की परमिशन देंगे सर प्लीज? सर कैसे होती है परमिशन? परमिशन कैसे दूंगा आपको? एक सेकंड, मैंने आपको भेजी है स्क्रीन शेयर की परमिशन. मेरे पास कुछ नहीं आया है सर. मैं अच्छा मैं एक मिनट मुझे एक सेकंड जस्ट. ये मैंने शेयर कर दी, आपको नजर आया? हाँ आया. ओके तो ये वीडियो है, ये मैं प्ले कर रहा हूँ सर. ठीक है वीडियो फाइल इज 2021-0516 फाइन एंड इट हैज कंप्लीट this just let me speak out the properties as well. Properties is length is 0112 means 1 minute 12 seconds. Frame height 640 by 384. Data rate is 284 kbps. Total bitrate is 349 kbps. Frame rate 30 frames per second, bitrate 34, and channels 2, audio sample rate 24 kHz. So the thing is that doctored have got this erased. डॉक्टर्स में ये प्रॉपर्टीज जो है, ये फोरेंसिक की बात बता रहा हूँ, क्रिमिनल फोरेंसिक की, वो सब इरेज हो जाती है, वो बचती नहीं है. तो ये जेन्युइन. डू व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आई एम श्योर यू हैव अ ट्विटर अकाउंट, व्हाई डोंट यू ट्वीट दिस अलोंग विद द प्रॉपर्टी एंड व्हाटएवर वेरिफिकेशन यू हैव, बिकॉज आई वुड आल्सो लाइक टू ट्वीट इट बट आफ्टर वेरीफाइंग इट माय सेल्फ. दिस इज नॉट द राइट. ओके, आई विल सेंड टू यू, यू आल्सो मेक अ वेरिफिकेशन. Or if Sandeep, you have an email ID, I will share to you. Fine? हाँ ठीक है, आपको मेरे चैनल पे ही ईमेल आईडी मिल जाएगा. अगर आप उस पे जाओगे ना, ऊपर कहीं पे, कहाँ पे, अबाउट में जाओगे ना, वहाँ पे मिल जाएगा ईमेल आईडी. चैनल पे, ट्विटर पे, या यहाँ पे, चैनल पे ही, जब अबाउट सेक्शन में जाओगे मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी. फाइन, मैं आपको भेज दूंगा. आप कार्मिक जी को भेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल डू दैट. Or you can send him directly right. Also, iCarmic ke naam se hi inka Twitter ID hai, you can send him directly, it's one and the same thing. Okay, now, iCarmic, he has Twitter ID na, I will send it to you. Theek hai. So, truth, journalism speaks one thing, a photo speaks 1,000 words, what about video? Exactly. Now, they have a propaganda machine. Before I go to Sumit yahan pe, Karmic, again, I want to bring you in back yahan pe thoda sa. जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, विच पीपल डोंट वांट टू बिलीव इन, ठीक है,
सो चलो कोई बात नहीं, दे डोंट वांट टू बिलीव द फैक्ट्स, बट ऐसा प्रोपेगेंडा न्यूज जब चलता है और इसको एम्पलीफाई करके सिचुएशन को और यू नो सीरियस और ब्रूटल दिखाया जाता है, एंड व्हेन दीस काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्सपोज्ड पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट, डजंट इट शो दैट पीपल एक्चुअली हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल इन एक्सेप्टिंग द रॉन्ग्स दैट इज दैट आर हैपनिंग, एंड उसको कैसे मैनिपुलेट करके यू नो दूसरी साइड से एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे पीपल आर सेइंग काफिर्स आर दोस हु डोंट बिलीव इन वन लॉर्ड, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा कोई बताएगा क्या हमें कि हम किस में यकीन करें, हमको यकीन करना है 40,000 भगवान में और बोलो, ठीक है, वन लॉर्ड में यकीन नहीं करना, सो इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू फोर्स योर सेल्फ, विच इज आज का जो एजुकेटेड कोई बंदा भी होगा, again I don't want to say but then again agar educated muslim mein koi agar aise baat kare then it just defies the whole purpose of holding any kind of discussion. And yeah, so there are two things which you have mentioned over here actually. One, this propaganda which is being you know pushed very hard especially on social media, and there are people who are getting so enamored by it that they are missing the facts. People who actually are interested in facts can find out the facts within 5 to 10 minutes, because it's not rocket science. We are not living in an age where we have to go to 10 libraries, find citations, look at you know 20 books and then figure out what happened. Today if you Google and you spend about 10 minutes on the right links, you will be able to figure out what the facts are. So these people, only because it helps their own agenda and their own narrative, they end up following a toolkit media hashtag. And trust me, ये जो toolkit media है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक है यार. Right from Greta Thunberg to some of the biggest, I can't even end up naming, you know, people, because they are such big names. Right from Warren Buffett to Greta Thunberg, they are all a part of this toolkit media. You know, और ये क्योंकि ये influencers हैं और इनका एक agenda है, they have all started tweeting whatever is a part of a toolkit media against a particular country. Or against a particular narrative and pro a particular agenda. In my opinion, all these people like Greta Thunberg and all are nothing less than social media influencers. They are social media influencers jo paise lete hain ek agenda driven organization se aur galat galat baatein tweet karte hain against any one country. Jaise farmers law ke upar hamare against bhi bahut sara toolkit media operate kar raha hai aur inhein बकायदा पैसे दिए जाते हैं, या तो पैसे या तो पावर, ये दोनों में से एक चीज इन्हें मिलती है. जैसे एक रणवीर सिंह को कोलगेट का ऐड करने के लिए पैसा मिलता है, जो बोलना है बोलो, उसी तरीके से इन लोगों को पैसा या पावर मिलता है, जो ट्वीट करना है करो. एंड आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर एंड आई कैन प्रूव दिस व्हेनेवर हूएवर चैलेंजेस मी ऑन दिस. ओके, और दूसरी चीज जो तुमने मुझे बोली, सी अ लॉट ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स आई फील आर क्वाइट सॉर्टेड, बट दोस 5-10% ऑफ देम हु आर नॉट सॉर्टेड actually wreak a lot of havoc. They create absolute disbalance in the entire equilibrium of world peace. Okay. Christianity or Islam mein, dono mein ek common baat hai, and I can also debate on the fact that both of them are cousins of each other. Both of them are versions of the same book. Okay. The same stories, the same ideologies, the same mythologies, the same prophets. Whoever wants to debate with me, please come on a separate debate. I will prove it to you that Christianity and Islam actually are cousins of each other. Behral, dono ye kehte hain ki you have to believe in the one God and the one God is our God. If you don't believe in this God, then on judgment day, ya us din jab qayamat aayegi, theek hai, on judgment day, your soul will not be saved. The souls of those who are non-kafirs, who are believers, Allah unhe aayega, unhe bacha kar le jayega, ya Jesus will come and he will emancipate them and emasculate them of all their sins. Okay, and this is written in both the Bible and the Quran. The third thing which is common, and these are all the problems, okay, dono books mein ye likha hua hai ki if you are a non-Muslim or a non-believer in Christianity, okay, tum kafir hoge, tum ek non-believer hoge, tumhari jo atma hai, tumhari jo soul hai, tumhari jo spirit hai, wo qayamat tak jalti rahegi ek dozak mein, in a fire of hell, it will continue to burn. The fourth thing which is written, that any non-kafir, you are supposed to try and any kafir, you are supposed to try and convert into Islam. Yeah, isi se conversion shuru hua. Even in Christianity, in Bible, it is written, you have to save a soul. Okay, matlab hamari jo Hinduon ki
और पारसीज की और जैन की सिख की, हमारी सोल जो है बहुत पापी है, दुष्ट है, हमारी सोल को इन्हें बचाना है। ऑलराइट, ये इनका नैरेटिव है। ये जो चारों पॉइंट्स है ना, दीज फोर पॉइंट्स आर एब्सोल्यूट एनार्किस्ट, दे आर एब्सोल्यूट टायरानिकल पॉइंट्स, दीज आर नॉन डेमोक्रेटिक पॉइंट्स। बिकॉज सनातन धर्म में ये सिखाता है कि तुम ईश्वर तुम्हारा एक ही है, वासुदेव कुटुंब, ये तुम्हारी, यू आर शेयरिंग दिस प्लैनेट, यू आर नॉट ओनिंग दिस प्लैनेट, ऑल ऑल स्पीशीज, ऑल लिविंग बीइंग्स, व्हाटएवर फेथ दे वांट टू फॉलो, दे आर अलाउड टू फॉलो एंड यू आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट देम। हमें ये सब सिखाया गया है, लेकिन इनकी बुक्स में ये जो तीन चार चीजें हैं विच फॉर्म द एडिफिस ऑफ देयर रिलीजन एक्चुअली एंड्स अप स्क्रूइंग अप द माइंड्स ऑफ दोस 5-10% ऑफ पीपल हु आर अनएजुकेटेड, और वो जिहाद के पीछे भागने लगते हैं, या वो मर्सिनरीज बन जाते हैं, या तो वो मिलिटेंट्स बन जाते हैं। और आप देख लेना कि सबसे ज्यादा मर्सिनरीज और सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में रिस्पेक्टिवली, मर्सिनरीज इन क्रिश्चियनिटी एंड मिलिटेंट्स इन इस्लाम आप पाओगे। Could that be the reason of Hamas, a terrorist organization that it is, that it has whatever it has against Jews and Israel because it wants to propagate the whole ideology of Islam against Jews and eradicate them? Could that be the driving force, or is it actually the driving force? No, see, initially it always has been between Islam and Jews and Christians and Jews. The religious beliefs have definitely been the principal reason for them to have skirmishes, conflicts with each other. And I genuinely feel that Judaism or Zionist culture, which Israel is known for or Jews are known for, is older and it predates Islam and Christianity both. In fact, the foundation of Christianity rests on Judaism. Okay, Moses, who's considered to be one of the saints in Christianity, was actually a Jew. Jesus was actually a Jew. Okay, so, and Islam rests on Christianity. So it is obviously clear that if somebody does 10 minutes of research, just 10 minutes of research on this, they will understand that both Christianity and Islam will find their roots in Judaism, in Zionist culture. Okay, whether it was the Babylonian era, whether it was the Mesopotamian era, whether it was the Byzantine or the Ottoman era, Judaism goes way behind. It is only 2,000 years after the Ramayana happened. The Ramayana happened in 7,000 BC, and Moses wrote the Pentateuch, four out of the five books on which the Bible is based, the Old Testament. Four of them were written by Moses, who was a Jew, and he wrote them in Hebrew, okay, because Latin had not even come at that time. And he wrote it in Hebrew in 5000 BC. Can you imagine how long back that was? It was 2000 years after Ramayana and 1000 years before Mahabharata. So people need to understand this. So ye religious problem to unko hai, kyunki inka kya hai, Christianity ka aur Islam ka kya hai, jo hamare se pehle hai use khatam kar do, use nisto nabood kar do, uska astitva hi nahi rahe. Agar uska astitva nahi rahega to hum pehle ban jayenge, hum abal aa jayenge. ठीक है, ये उनकी आइडियोलॉजी है, तो ये ऑब्वियस है. उसके बाद वर्ल्ड पावर्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, बिकॉज वहां से ब्रिटेन का अपना एजेंडा है, ठीक है, यहां से चाइना का अपना एजेंडा है, वेस्ट से अमेरिका का अपना एजेंडा है, सब अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, और बिल किस पर फाड़ रहे हैं, इसराइल पर और पैलेस्टीन पर. Yeah, Dipankar, yeah, yes, before concluding, I will just take your 30 seconds more. So I am just concluding it. And on the, if we talk about the current scenario, just one, if Hamas has been in operational control of the Gaza Strip, which is a part of Palestine, since the Battle of Gaza, since in 2007. So they have operational control of the city. What the wrongdoing, the crime against war crime they are committing is that they go and take shield into residential areas. They fire thousands of rockets at Israel from the buildings which are residential in nature. And when they fire thousands of rockets, the Iron Dome shield, the air defense which the Israel is having, it shields them from that thousands of rockets. Otherwise, Israel is just 50 kilometers in diameter. They would have been annihilated by now.
if they would not have protected themselves. Now the thing is that it is not fail safe, even Iron Dome, and so these Hamas guys, they go into their buildings, like the building of Al Jazeera and other building which we saw fell in down, and they fire thousands of rockets from there, and so that Iron Dome is overwhelmed, and we see few rockets escaping beyond and wreaking damage inside the Israel. But we do not see any such kind of propaganda video where they are showing false death coming out of Israel. Secondly, when Israel was to take down, because Israel knows from where the rocket has been fired upon them, they have the technology. So when they know that this is the building from where rocket has been fired on them, they have a right to retaliate. I am talking in terms of international law as well. So I am not taking sides of anybody. So when they have a right to retaliate, they before taking down that building, they give 1 hour prior information and to all the residents, they give in broadcast in news that we are going to take down this building, vacate these buildings, and before felling it down, they give two rooftop strikes as well. That and thereafter that two rooftop strikes, they fell it down. So this is, I think so, there is a disproportionate attack. There is a disproportionate aggression. I think Hamas currently is on the side of disproportionate aggression. So I would like to thank you all for listening to me. Thank you, Style Rug. Thanks, Varmaji, both the Varmajis. And thank you so much for giving me the time. Thank you, Pankaji. Thank you so much. Thank you. Okay. Sumit, can you hear me? Yes, Sandeep bhai, can you hear me? I can hear you, bro. Kya haal? Hello, Sandeep bhai, kaise aap? Harar Mahadev. Hello, Karmik sir. Kaise aap? Sir, actually, Sandeep bhai, to start with, maine aapka wo कश्मीर के ऊपर जो आपने 3 घंटे का किया आई मस्ट से कि बहुत ही वेल रिसर्च था और आपने ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू हैव कवर्ड एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप ये सब चीज़ें करते हैं और अभी भी जो भी डिस्कशन हो रहा है आप उसमें भी कश्मीर का रेफरेंस दे रहे हैं कि वो जो बहुत प्रैग्मैटिक है और जो बहुत रियलिस्टिक है और जो एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए. So to start with, I think aap logo ne mostly this discussion has been going on for at least 90 minutes, more than 90 minutes now, 2 hours. You already Karmik sir ne bahut acche se sari cheeze cover ki, aapne bahut sari cheeze cover ki. I'll not take much of the time, but mereko ek cheez, I have a couple of questions which I can ask to Karmik sir or Sandeep bhai aap se bhi. Sir, पहला चीज ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ तक मेरी समझ है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये एक जगह है शेख जरा, जहाँ पे एक्चुअली देर इज दिस डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन दोज सेटलर्स विच आर नॉट सेटलर्स बट दे आर द एक्चुअल इनहैबिटेंट्स एंड यू नो इसराइल इज डीलिंग इट वेरी कॉन्स्टिट्यूट. There was a case in the Supreme Court, and the Supreme Court has came up with a verdict wherein they say ki bhai ye jagah in bandon ki hai, right? They have the document, right? And now you have been living here, let's say, for 70 years, but you know, if you have to see legally, this is their land. So, but wo abhi bol rahe hain Palestinian, okay, hum to 70 saal se reh rahe hain, to they are not ready to listen. But then now this court, they have come down to a resolution wherein they are saying that okay, aap yahan pe raho, you stay here, but at least you pay some protected amount for living in here. At least tum paisa to do. So they are not ready for that as well. So the question is, I think conflict yahan se start hua, fir wo Al-Aqsa mein jo obviously there was a liberation day for Israel and everything, but you know, I think the conflict hai wo yahan se is sari situation ka start hua hai. Now mera question ye hai, I think Karnik sir ne bhi ye cheez bataya ki if we have to dig into the archaeologic evidence, like he gave the example of Babri Masjid and Ayodhya,
तो सर जो इनका जो अलक्सा मॉस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं राइट, अगर हमें हिस्ट्री, बिकॉज वी आर ऑल आज की डेट में इंटरनेट है, हर किसी को हर कोई चीज पढ़ सकता है, तो अगर आप वी कॉल इट टेंपल माउंट राइट, सो अगर यू डू इफ वी डू आर्कियोलॉजिक एविडेंस वहां पे सर्वे किया जाएगा, इट इज क्वाइट एविडेंट कि वहां पे जीव्स का देयर वाज अ टेंपल फॉर जीव्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव दैट मॉस्क. So now the question is, अगर ये सब चीजें, अब आप मुझे बताइए, इसराइल एक ऐसी कंट्री है, जब से वो स्टार्ट हुई है, अभी राहुल सर यहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ जी देर इज यू नो यूएन इज इन, अरे सर यूएन का तो ऑफिस है वहाँ पे, यूएन हैज अ डेजिग्नेटेड ऑफिस इन यरूशलेम एंड स्टिल देर इज अ वॉर गोइंग ऑन, यूएन हैज अ ऑफिस इन कश्मीर. तो सर ये ऑब्वियसली उन्होंने ऑस्लो अकॉर्ड के बारे में बात किया, ऑस्लो अकॉर्ड को कहाँ माना, यासर अराफात ने ऑस्लो अकॉर्ड को माना ही नहीं, देयर वाज अ प्रेशर. तो सर यासर अराफात को मार दिया उन्होंने, ही वाज बीइंग पॉइजन विद द पोलोनियम. तो सर ये जो सारी, बट अभी हमें मुद्दे की जो बात, जो मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा, समझना पड़ेगा, एक कंट्री को आप जब से उसकी एग्जिस्टेंस है, आप उसको वाइप आउट करने के पीछे पड़े हुए, ठीक है, वाइप आउट, यू वांट टू वाइप आउट दैट होल कंट्री ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. लेट बी वेरी ब्लंट एंड लेट बी वेरी प्रैक्टिकल, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन राइट. और अब जब वो कंट्री अपने आप को बचा रही है, 1500 रॉकेट आ रहे हैं उनके ऊपर और वो बचा रही है, और आप और इंडिया में बैठ के लोग उसको यू नो दे आर काइंड ऑफ यू नो देयर इज अ डिविजन दैट इज़राइल इज डूइंग रॉन्ग, इज़राइल इज नॉट डूइंग रॉन्ग. इसराइल ये धर्म की लड़ाई है, ये लोगों को समझना पड़ेगा. इट्स अ फाइट ऑफ धर्म एंड इसराइल इज प्रोटेक्टिंग देयर धर्म, क्योंकि उनको पता है कि अगर 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 वो इस टाइम पे फाइट नहीं करेंगे देन दे गोना वाइप देम आउट एंड दे डोंट वांट, बिकॉज उनका जो जैसे कार्मिक सर ने बताया दे हैव इट्स अ रिलीजन ऑफ 2500 साल पुराना रिलीजन है. ऐसे बोलते हैं जो हिब्रू है, हिब्रू हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत और संस्कृत हैज बीन वाइस वर्सा. सो मेरा सर एक क्वेश्चन ये है, जस्ट क्विकली टू माय क्वेश्चंस सर. कार्मिक सर अभी आप देख रहे हैं कि अभी सीरिया की ओर से भी यू नो हिजबुल्ला हैज केम इनटू द वॉर. सो वी कैन सी दैट यू नो देयर इज अ रॉकेट्स कमिंग फ्रॉम सीरिया एज वेल. सो डू यू सी दैट कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट्स गोना एस्केलेट एनी फर्दर, वेयर इन बिकॉज नाउ वी आर सीइंग दैट यू नो ऑल इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी इज डूइंग एंड तुर्की इज लीडिंग देम. डू यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट गेटिंग एस्केलेटेड फर्दर एंड आपको लगता है कि ये आगे आगे तक चलेगा सर? Yeah, I certainly see that this conflict is going to escalate for at least the next 20 to 25 days. And it is a very, very scary situation in Central Asia or Eurasia, as I call it. Because what will happen is ki ek bahut achhi cheez hai Islamist countries mein, ye sab na fatafat ikatthe ho jate hain. Matlab inki unity itni achhi hai ki we should definitely learn from them. You know, and not just Hindus, but all religions should learn this, that ye jo brethren hai, Islamic brethren, that is unifiedly and an intrinsic level, it is very unified. So, wahan se Syria, Jordan, Turkey leading it, okay, aapko aur bhi choti-choti countries dikhengi, who are going to, you know, contribute. And it is important that at some time, EU, the European Union, because the battle is being fought so close to their home, okay, EU is, you know, literally about two hours by flight from there. And it is very important that they monitor this and they take the corrective action in order to restore the peace. And the only way they can restore the peace is by being aggressive and not by talking. I do not believe in talks at this point in time. So the minute a UK or a France or a Germany, okay, they start supporting Israel, and I'm not saying by actually going, sending, you know, militia over there or sending rockets over there or sending them equipment. The minute they start supporting Israel by verbiage, by verbatim, okay, all these Islamic countries will back off. The problem right now is
Israel is fighting this battle alone. And hats off to them that, you know, Benjamin Netanyahu is saying, fuck you to everyone. I don't care. If these rockets, even if 10% of these rockets hit me, I will be dead. Then I will have, you will not have anybody to call an Israeli. The when the US has actually made a designated embassy, the US embassy to Israel is in Jerusalem, which means Jerusalem is an Israeli part. And Jerusalem is also the capital, East Jerusalem, West Jerusalem is also the capital of the West Bank. So, aaj ke daur mein, world powers like US and UN are recognizing Jerusalem, a huge part of it, to be a part of Israel. तो रेंट की जो बात है ये जो रेपरेशन की जो बात है ये तो उन्हें देनी चाहिए ना पैलेस्टीन को देनी चाहिए ना आप सोचो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वो पाकिस्तानियों की है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर और कश्मीर एज वी नो इट आज से 2 साल पहले हम उसका ख्याल रख रहे थे लेकिन कश्मीरी अपने आप को इंडिया के अलग सोचते थे कितना चुपता था ये तुम्हें और मुझे तुम अपने घर से वहां से निकाले गए तुमने 200 साल पहले सोचा था कि ये तुम्हारा घर नहीं रहेगा जबकि ये तुम्हारा घर कश्मीर 1500 साल पहले से तुम्हारा घर था लेकिन सडनली पिछले 60 साल में तुम्हें वहां से निकाल दिया गया तुम्हें पता था ऐसा होगा नहीं होगा तुम्हें कभी तुमने ये सोचा नहीं होगा ना तुम्हारे बाप दादा ने सोचा होगा लेकिन आज की तारीख में अगर वहां पे जो कश्मीर का जो वो हिस्सा जिसे हम मॉनिटर कर रहे हैं एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां पर खाना सामान अर्थक्वेक आता है फ्लड्स आता है वी टेक केयर ऑफ इट और वहां के लोग अगर अपने आप को पाकिस्तानी बोलें या अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलें तो ये गलत होगा ना दे हैव टू पे टैक्स टू इंडिया राइट और रॉन्ग ऑब्वियसली दे हैव टू पे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इजराइल इज आल्सो आस्किंग क्योंकि वहां का जो पूरा डेवलपमेंट का जो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो जिम्मा है वो इजराइल ने उठाया है ना कि हमास ने क्या हमास वहां पे खाना भेजता है वेस्ट बैंक में क्या हमास वहां के रोड्स रिपेयर करता है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है पैलेस्टीनियन आप अपने आप को तभी बोल सकते हो जब आपकी कंट्री आपकी गवर्नमेंट आपका ख्याल रख रही है बट ऐसा नहीं है इसराइल आपका ख्याल रखना है तो या तो आप इसराइली बन जाओ अपना अपना धर्म परिवर्तन कर लो और उस कंट्री में आप जाके रहने लगो और अपने आप को इसराइली पासपोर्ट होल्डर कहो या फिर अगर आप पैलेस्टीनी हो तो आप उस कंट्री को रेंट भरो आई थिंक एक और चीज जो मैं संदीप भाई से पूछना चाहता हूँ सर संदीप भाई ने अभी आपने तो सर संदीप भाई आप टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट टू कश्मीर कश्मीरी पंडितों को भी ऐसा करना चाहिए था बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडितों को हाउ कैन दे रेप्लिकेट व्हाट इज इजराइल डूइंग इन यू नो इन दैट रीजन इन कश्मीर व्हाट कैन वी डू For example, you know that our population we are less in number. We are only 5 lakhs. So what can we do to you know what Israel is doing? How can we replicate it? आप अगर आप थोड़ा सा उसमें बता देंगे मेरे को थोड़ा सा क्योंकि आपने ये point रखा तो I just want to understand कि आपके दिमाग में क्या है आप क्या सोचते हो कैसे करना चाहिए वो चीज भाई एक स्टोरी सुनाता हूँ सुमित हाँ जी ठीक है कार्मिक आप थोड़ा ध्यान से सुनना मे बी फिर थोड़ा सा मे बी इट माइट गो ऑफ टॉपिक बट ओवरऑल कनेक्ट करेगा आई एम वेरी श्योर लेट मी टेल यू अ स्टोरी फिलहाल का जो अभी करंट जो पॉपुलेशन सेंसस है रिसेंट वो ये है कि कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन 97.16% है हिंदू पॉपुलेशन 1.84 है और सिख जो है 0.88 है ठीक है which brings down to approximately 55 lakhs Muslims if I'm 55 lakh 60 lakh के आसपास का एक डेटा है जो कश्मीर के डेडिकेटेड एरिया में है ठीक है now look at a wider picture यहाँ पे Sumit whenever you want to take an action कि जब मैंने बोला कि कश्मीरियों को वापस जाना चाहिए and I very categorically added यहाँ पे कि कोई violence के through नहीं you just go together 5 lakh लोग वहाँ पहुँच जाओ ठीक है There is no government or there is no police, there is no army which can ignore that kind of walkthrough. Agar yaar, agar 20,000 ya 2 lakh, let's say 2 lakh to the nahi waise, par agar 10,000 laborers jo COVID mein walk karne gaye, uske naam pe desh mein itna hangama ho sakta hai. Theek hai? To tumhara to
हक बनता भाई तुम्हारी तो जमीन जाने का, तो उस पे तो लोगों को उंगली करनी चाहिए फिर, उंगली इन द सेंस कि लोगों को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट लुक एट इट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव यहां से, एंड इन दिस इटसेल्फ आई हैव द आंसर एंड अ क्वेश्चन फॉर कार्मिक अगेन, देन आई विल गो टू फ्रीज अल जजीरा के पापा के पास और राहुल के पास फिर से. ठीक है कार्मिक, लिसन टू दिस, दिस इज अ कंट्री वेर इन and I'm saying this from personal experience because I have friends who have got these names. This is the country jahan pe, and I'm not being disrespectful yahan pe, theek hai, main kisi bhi tarike se Muslims ke kisi bhagwan ko yahan pe disrespect nahi kar raha hu, main ek fact bata raha hu jo real life mein maine dekha hai. theek hai, mere ek to friends hain, unke friends Muslims hain, उनको मैं भी जानता हूँ, उनमें से कई लोगों के नाम है लेट्स से मोहम्मद है, उसके आगे कुछ और है, या कुछ नाम है उसके आगे मोहम्मद है, बट वो प्रेफर नहीं करते कि आप उनको मोहम्मद बोलो. ठीक है, which is fair, okay, they don't want it to be named, मतलब कि हमारा नाम यहाँ को मिसप्रनाउंस ना करते, हमारे पैगम्बर को नबी को ऐसे, प्रोफेट को ऐसे ना हो जाए, विच इज परफेक्टली ओके. माई थिंग इज पहले तो ये नाम रखो मत. ठीक है, बिकॉज इफ समवन देन हैज टू कॉल यू बाय दैट नेम, दे आर गोइंग टू कॉल यू बाय दैट नेम. नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट अ नेम, नामकरण की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम जैश ए मोहम्मद. ठीक है, हर कोई जैश ए मोहम्मद करता है, नो वन इन दिस वर्ल्ड रेजेस अ पॉइंट कि भाई जैश ए मोहम्मद को बोलो नाम ड्रॉप करने को. You will tell normal people, you will tell common people कि भाई इस नाम को मत दो, but तुम एक terrorist organization को जो apparently उठी है उसी ideology से जिसमें हमस है, you will never ask that organization to drop the name. Irony इस situation में ये है कि जो कामिक ने बोली, the unity that we need to learn from is कि ईरान में कुछ होता है, ठीक है, उसका impact पेरिस में दिखाई देता है, इराक में कुछ होता है तो फ्रांस में कुछ होता है. दैट इज द यूनिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ लुक एट द डेट. ठीक है, डेट है 16 अक्टूबर 2020. ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 को एक मिडिल स्कूल का टीचर एक वो कुछ कैरिकेचर या कुछ कार्टून बनाता है और खत्म. ठीक है, उस चीज का मुंबई के भिंडी बाजार क्या मतलब है? What do they have to do with that? ठीक है, क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कार्मिक, you being you have seen probably all the leading fashion shows and everything that can come through in the last 15 years. Isn't it a fact कि कई सारे ऐसे कपड़े बने हैं, bikinis, lingeries, even underwears and all those things जिसपे हिंदू भगवानों की फोटो यूज हुई हो, mattresses पे यूज हुई हो, चप्पलों पे यूज हुई हो, दूसरे पार्ट में वर्ल्ड में होता है, किसने, कौन जो यहाँ पे बैठे हैं हमें सपोर्ट करने वाले, whoever the brothers and sisters are, किसने उंगली उठाई आज तक उसके सपोर्ट में? किसी ने नहीं उठाई. ठीक है, नो वन डिड, इवन वी डिड नॉट, लेट्स पुट इट दैट वे, हमने भी नहीं उठाई क्योंकि हमको साला इतनी छोटी सी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो इम्पैक्ट हुआ कहीं, असर भिंडी बाजार. किसी ने बोला कन्वर्जन के बारे में, कन्वर्जन इज एन एक्टिविटी विच इज हाईली पॉपुलर इन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स. ठीक है, या तो मार दो या कन्वर्ट कर दो. ठीक है, जो तुमसे अग्री नहीं करता वो काफिर है, जो तुमसे बिलीव नहीं करता वो काफिर है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, आप इसराइल के बारे में एक्सपेंशनिज्म की बात करते हो कि वो एक्सपेंशनिस्ट खेल रहा है, कि इट वॉन्ट्स टू कॉन्कर एंड कैप्चर एवरीथिंग. नाउ इफ दैट इज द criteria, then what about all the capturing that you have done over the years? Are you not responsible for that? Should you not be questioned on the basis of your history? ठीक है, question number one. उसके बीच में answer तुम्हारा सुमित ये है कि आपको वापस जाने की जरूरत है because people need to support you. ठीक है, and you do it violent free. आप सिर्फ मार्च करो, कश्मीर में जाओ, आपका घर है वहां पे. संदीप भाई, मेरे को आप थोड़ा टाइम देना, आप इस चीज पे अभी मैं आपकी बात. Just give me 30 seconds more and I'll give you time, don't worry. Now, बात होती है फिर कि people who migrate to different countries, ठीक है, अपने देश को छोड़ के, चाहे इराक में financial problem हो, चाहे ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, कहीं पे भी financial problem हो, आप जाते हो पेरिस, फ्रांस या किसी और कंट्री में, US, कैनेडा, कहीं पे भी you go for a better life.
ठीक है, विच यू प्रोबेबली वुडंट हैव गॉटन इन योर ओन कंट्री. आप पैसे के लिए जाते हो, आप फ्रीडम के लिए जाते हो, आप बेटर लाइफ के लिए जाते हो, बेटर मेडिकल के लिए जाते हो, एक ओवरऑल प्रोग्रेसिव सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हो, बट द मोमेंट समथिंग हैपेंस यू आर द फर्स्ट वंस टू सिट एट द रोड्स ऑफ फ्रांस एंड यू आर द फर्स्ट वंस जो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं जो कि अलाउड नहीं है. ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हो, आप एक्सपेंशन की बात करते हो. हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट दारुल इस्लाम और दारुल बर्क? ठीक है, फिर आप शाहीन बाग जैसे एग्जांपल लेते हो, वहां पे आप पीछे भीमराव अंबेडकर की फोटो लेके खड़े होते हो कि हम अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं. अंबेडकर ने खुद बोला था, अपनी बुक में लिखा था जिसपे आप झंडा फहराते हो, उसके खुद की बुक में लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स विल नेवर कंसिडर इंडिया एज इट्स नेशन बिकॉज दे आर नॉट रूल्ड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन और द मुस्लिम लीडर. फॉर देम रिलीजन विल ऑलवेज बी फर्स्ट, फॉर देम इंडिया विल नेवर बी देयर कंट्री. And if after 1947, this population, some of the population has not migrated to Pakistan, in future it's going to be a problem. Are you not playing the same theory यहाँ पे अभी भी कि आप इस देश के पहले अपने religion को हर time अपने religion को ऊपर रखते हो? ठीक है, I could be wrong, but that's the fact. अंबेडकर ने बोला था भाई, मेरे words नहीं, अंबेडकर ने बोला. तो अगर जाके पकड़ना है अंबेडकर की आत्मा को पकड़ो, maybe शायद वो 72 गुरुओं के साथ खेल रहा होगा, I have no idea. ठीक है, यू कैन गो एंड चेक कि वह बेहतर रोड के साथ खेल रहा है या फिर मेनका के साथ या फिर जो भी होती है स्वर्ग में उनके साथ खेल रहे हैं. सो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट. टू कंक्लूड यहाँ पे कार्मिक, दिस क्वेश्चन इज टू यू एक्सपेंशन के ऊपर, कि इसराइल के ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट रोल प्ले कर रहा है इसराइल यहाँ पे, that is question to you. But I will, before you come in Karmik, yahan pe I will give 30 seconds to Sumit yahan pe, because Sumit, maine jo bola, the only thing that you need to do, just like these guys do, is show unity, bro. Because problem hai ki unity nahi hai. Aap agar 5 lakh ho, agar 5 lakh se 7 lakh hue ho, aap Kashmir mein jaake khade ho jao ek din. संदीप भाई, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कश्मीर में अभी कोई कश्मीरी पंडित है नहीं, ठीक है? तो अगर थोड़ा सा मैं आपको ये आपने कश्मीर का, this migration is not the first migration of Kashmiri Hindus, this is the seventh or eighth migration of Kashmiri Hindus. We have been thrown from that land, we went back, we resettled back, and we have been thrown back again. So ye, this is not the first migration. ये जो recent में 1990 में जो migrate हुए थे, this is not the first migration. Let me remind you that Jammu and Kashmir was a princely state and it has been ruled by various empires. ऐसा बोलते हैं कि हमारे टाइम में जब, क्योंकि कश्मीरी पंडित देवर द यू नो माइनॉरिटी कम्युनिटी, ऐसा बोलते हैं कि हिस्ट्री में व्हेन सिख रूलर, जब वहाँ पे सिखों का जब वहाँ पे राज होता था, गुरु टेक बहादुर, ही वॉज द सिख गुरु हु एक्चुअली प्रोटेक्टेड कश्मीरी पंडित्स. सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको लगता है कि मैं कश्मीरी पंडित कश्मीर नहीं जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं. हमारे वहां से मस्जिदों से फिर से आवाज आई कि तुम्हें यहाँ रहना है, तो फिर You know the situation. So this is a very fresh. आप directly नहीं बोल सकते कि it's not that Kashmiri Pandits don't want to go. When I left Kashmir, I was only 5 years old. If you ask me now, I'm not in India. If you ask me now, do you want to go to Kashmir? I'm the first one who will say yes, I want to go to Kashmir. But I want to go to Kashmir not to be migrated again, not to be migrated on the name of the religion. I have a Muslim friends. मेरे रोज मुस्लिम फ्रेंड्स से मेरी बात होती है. We have a discussion, we have arguments, right? But the point is, अगर जो एक perception है ना बाहर के लोगों में, in fact in Indian जो पूरा मतलब who are not Kashmiri or who are other part of India, उनको लगता है कि कश्मीरी पंडित्स are not ready to go back. That's completely wrong. We are ready to go back. जब हमें we want to go with dignity, right? We don't want to go there and again we don't want to be in a situation where we have to go back again and migrate again. We don't want that. So ये question है कि, और unity की बात, I think you are
somewhere, right? It's not about the unity of Kashmiri Pandits alone. It's a unity of you know, every Indian. जब अभी अभी ये सब चीजें डिस्कस होती है, जब 1990 में जो जो एक्सोडस हुआ था, राइट, देयर वाज नो वन टू टॉक अबाउट द यू नो द अबाउट कश्मीरी पंडित्स एट दैट पॉइंट. वहां पे कश्मीरियों के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला. इट्स नाउ दैट यू नो दीज टॉपिक्स आर यू नो गेटिंग इनटू द मेनस्ट्रीम मीडिया एंड वी आर डिस्कसिंग इट. बट क्वेश्चन ये है कि सर हम जाना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते, बट हम डिग्निटी के साथ जाना चाहते हैं. हम एक और बार माइग्रेट नहीं होना चाहते हैं. हम जब जाएंगे पूरा वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, जो हमारा कल्चर है उस कल्चर के साथ रहेंगे, अपने मुस्लिम भाइयों के साथ रहेंगे. हमारा जो कल्चर है, जो कश्मीरी कल्चर है, हमारा जो कश्मीरी हिंदू कल्चर एंड कश्मीरी मुस्लिम कल्चर, इट इज़ अ कोइंसाइडिंग कल्चर, राइट. भले ही वो इस्लाम को मानते हैं और हम हिंदू से मानते हैं, बट द कल्चर एज अ होल इज कोइंसाइडिंग. बट आप हमें फिर से लेके जाएंगे और फिर से वहां पे लड़ाई होगी और फिर से हमें जाना पड़ेगा. दैट इज नॉट समथिंग विच एनी कश्मीरी पंडित वांट्स. और थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम देते हैं. थैंक यू सो मच कार्निक सर फॉर योर इनसाइट्स. मिसेस अल्पुरी, आई वांट यू टू स्टे फॉर 30 सेकंड्स बिकॉज़ आई वांट टू टेल यू समथिंग. Okay. Two things. First of all, my sympathies and my earnest and very, very sincere apologies as an Indian, that we as Indians could not do what we were supposed to do at that point. Not personally. मैं तो उस समय शायद 8 साल का था, तो मैं personally unfortunately कुछ नहीं कर पाता. उसके पहले जो 70s में exodus हुआ, I wasn't even born and I'm sure neither were you. So but as a country, we definitely owe you an apology. And as a citizen of India, I want to use this platform, Style Rugs platform, and apologize to you and all the Kashmiri pundits who are locked in or who may see it later, that yes, wrong happened. And India as a country did not do right by you. Okay, that's number one. The second thing is that today you want to return with dignity. Dignity equals respect. And respect, my friend, will not be offered to you on the table. Sumit, you will have to, you know, get together and you have to earn your respect. And what did not happen in the 90s or through the early parts of 2000s, it's not essential that it will not have now. You have a strong government. You have a government which is pro-nationalist in terms of regime, in terms of ideology. And today, if you as Kashmiri Pandits congregate together, have a political representation, and go to the parliament or reach out to the home minister in the right strength, I am sure that your repopulation of Kashmir will be looked at in a political way and not just as an exodus where, you know, 5 lakh of you or 2 lakh of you or 50,000 of you just land up in Kashmir. Sandeep, I don't think that will help. You need political backing, I agree, but you have to ask for that political backing by coming to India, being in India, getting people who have suffered like you, all your Kashmiri Pandit friends. You have to get together and seek a political solution to this, not by sitting in some other country. You'll not be able to achieve it. I'm sorry to say, you know, somebody like an Anupam Kher, you need leadership who is a Kashmiri Pandit and so popular. Maybe he can be the representative that you always wanted and seek a political solution and repopulate the land that you belong to. That's not going to happen by doing, you know, just sympathy seeking on this platform or by sitting in some other country or being happy in whichever place you are and just think that I want respect and dignity and I want to go there. You have to do something yourself. I don't know if I have time. Maybe we are now shifting completely to off topic. But Karni sir, your point, thank you so much for acknowledging it. Or jo bhi aapne kaha, I completely agree jo aap bol rahe ho. Ye kahin bahar baith ke ya kahin dusri country mein nahi hoga. And as far as the political you know, backing, or do we have any political outfit? Are we, you know, pursuing Kashmir problem politically? Yes, we are doing it. So we have a representation. We have an organization who actually is asking government to give us a complete different land. We call it as a Panan Kashmir.
do a settlement, you know, completely different, you know, wherein we only have, you know, Kashmiri Pandits. So these things are going in the background. So aisa nahi hai ki hamare log ye baithe hue hain. So everything. I don't know whether it's ironic or whatever it is. Me and Karnik, we started nodding our heads at the same time. Okay. First of all, mere bhai, you need to understand one thing here. Okay? And what you said right now, if at all that kind of politics is happening behind the doors, it's a very dangerous one for the country. Okay? It's a very dangerous one for the country. Because we have a recent example in Punjab, where the majority of the name of a community ko utha ke ek pura district de diya gaya because they were majority. लड़ाई तो कश्मीर ही है ना, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कश्मीर आजाद होके रहेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर तो अलग कश्मीर वालों भाई, जहाँ पे कश्मीरी पंडित अपना आराम से रहेंगे. भाई तुम्हारा हक है कश्मीर में जिस घर से तुमको निकाला था उसी घर में वापस जाने का, ठीक है. देयर शुड नॉट बी एनी अदर ऑल्टरनेटिव कि कहीं और सेटल कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. दैट मेंटेलिटी, इफ इट ऑल इट हैज क्रीप्ड इन, देन आई एम रियली सॉरी टू से माय ब्रदर, वो रॉन्ग मेंटेलिटी है. आई एम मिसिंग नो वर्ड्स यहां. And it's worse that you're saying that ये politically आप करने की कोशिश कर रहे हो, because this is not inclusive political agenda, this is a divisive political agenda. और आप वही कर रहे हो जो इस्लाम ने किया, जो मुसलमानों ने किया. I agree, sir. See, that's why, you know, we are not supporting it with a true heart. So I'm saying that it's not only there are multiple political. You know what, Sandeep? I think you know, बहुत ज़्यादा off topic चला जाएगा ये. We should have another session on Kashmiri Pandits. But Sandeep, why don't you take it to the right progression this session? Sumit bhai, thank you so much Karnik sir, it was really really insightful listening to you. Aur Sandeep bhai ke topic hamesha hi research wale topic hote hain, bahut hi logical topic hote hain, bahut pragmatic hote hain. So thank you so much for giving me the chance. मुझे लग ही रहा जैसे कार्निक सर चीजों को समझाते हैं. I can sense that. But thank you so much. Always thankful and thank you so much Karnik bhai. Thank you so much Sandeep bhai. Thank you. Now I will take in freeze also, but Karmik, I have two questions jo Bharat ne pucha hai. I think that will bring the topic back to where we want it to be. Two prompt question. Ek to ye ki, do you think US ka any role in terms of they stepping in concretely ki take a stand or, you know, provide some kind of support or whatever things? Dusra ye ki, why, I think we know the answer, but still I'm going to ask it. Why Syria and Iran stepped in and supported Hamas? Theek hai? At the same time, Qatar supported Al Jazeera. Now, one thing that I want to add yahan pe before you react to that is ki ek badi weird si situation hai. विडंबना मेंटालिटी की ऐसी है कि लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट नहीं बुला रहे जो अंधाधुंध जिसने 100 के 100 रॉकेट मार दिए बिना किसी वार्निंग के, पर उस देश को टेररिस्ट बुला रहे हैं जिसने अल जजीरा और उस बिल्डिंग को गिराने के पहले 1 घंटे का नोटिस दिया कि इवैक्यूएट, वी आर गोइंग टू ब्लास्ट इट ऑफ. ठीक है, कौन सा ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले वार्निंग देता है कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट बिल्डिंग, इवैक्यूएट, ताकि जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान का ना, जानी नुकसान ना हो. सो दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, देन आई विल गो टू फ्रीज. क्या लोग, ये जो लोग कर रहे हैं वो चूतिए हैं, सबसे पहली बात. दूसरी बात ये है कि जो चूतिए नहीं है वो बोल नहीं रहे हैं. दैट्स द बिगेस्ट आयरनी, जो विडंबना तुम कह रहे हो. द आयरनी इज दैट दिस इज व्हाट हैपेंड इन बंगाल. अब भुगतेंगे वो, जिनको करना था वोट उन्होंने वोट किया नहीं. अब 5 साल में हम इसराइल पैलेस्टीन और या कश्मीर और पाकिस्तान की जो बात करते थे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी विल बी टॉकिंग द सेम लैंग्वेज इन वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल और बांग्लादेश, सॉरी. या सो द प्रॉब्लम इज कि जो गलत हैं वो आज ज्यादा जोर से चिल्ला कर बात कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज हमें ज्यादा सुनाई दे रही है. और जो सही है वो चुप्पी साध के बैठा हुआ है कि यार छोड़ो, हमें क्या करना, हम तो पीस लविंग हैं, हमें एक दूसरे के फड्डे में क्यों हाथ डालना,
उड़ता तीर हमें पिछवाड़े में क्यों लेना है, हमें क्या लेना देना? पहला सवाल, सॉरी दूसरा सवाल का जवाब था ये। पहला सवाल तुम्हारा था यूएस, विदाउट यूएस द सिचुएशन विल नॉट डिफ्यूज, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। द ईयू एंड स्पेशली द यूएस हैज टू कम फॉरवर्ड एंड अनइक्विवोकली एक्सटेंड द सपोर्ट टू इजराइल, व्हिच कमला हैरिस द वाइस प्रेसिडेंट हैज डन लिटरली टू डेज बैक, जहां पर कमला जी ने कहा बहुत क्लियरली दैट वी मस्ट सपोर्ट इजराइल, we must back them up in such times because the proof that is available is very clear. So it's not that US is not doing it, but yes, they need to do it more effectively. I wouldn't say that they are not doing it, but they have to do it more effectively, because let us also understand that US is the only country that recognizes the one of the largest in the top 7 or the top 10 countries in terms of supreme powers. US is the only one which recognizes Jerusalem as a complete part of Israel, and therefore they have erected their embassy, the US embassy to Israel, they have erected it in Jerusalem. You know, they've not erected the US embassy to Palestine in Jerusalem. Jabki East Jerusalem or West Jerusalem ki sabse badi ladai yehi hai ki wo capital sala hai kiska. Theek hai? So by just doing that, US has recognized Jerusalem as a sovereign and an absolute integral part of Israel. And without the support of US, Israel is not going to be able to fight this to its right and ultimate conclusion very, very effectively and very, very soon. Okay. Freeze, how are you? Hi. Okay, you guys can hear me? Yeah, I can hear you. I'm good, yeah? Jai Hind, Jai Bharat to everybody. And I think Karmik has really covered the entire, the whole topic very well. For me, and I was also reading in the comment, even Bharat asked, will the US interfere? My question first is the, and in whole Islam, Islamic people, are they together first of all? Kya in log ek saath hai? Do they want peace? If anybody remembers or not, the Trump administration, and I'm reading from Wikipedia, the Trump peace plan, and this was last year, the Trump peace plan, officially titled Peace to Prosperity, a vision to improve the lives of the Palestinian and Israeli people, was a proposal by the Trump administration to resolve the Israeli-Palestinian conflict. Okay? Donald Trump formally unveiled the plan in the White House press conference alongside the Israeli Prime Minister Netanyahu. And this is January 28, 2020. Both the West Bank settlers, Yesha Council, but the Palestinian leadership rejected the plan, you know. So they have tried to reach out in each and every way, but these people don't want peace. This is, I heard even you were saying, or even Karmik was saying, jab Muhammad Ali Road mein udhar France mein ho gaya aur idhar in log ye sab kar rahe. Muhammad Ali Road to alag baat hai, idhar sab jagah wo sab ho raha tha. And why? And later on, we come to know that even what happened in France was a false alarm. Nothing happened of such, you know. That boy himself, that little boy, he usne khud apnaya ke wo sab jhoot bola jaake usne. Nothing like that happened. So my question is, even in this last 1 week, what's happening is because my own very good friends who are very open-minded, well-educated, Muslims from India, jinke saath main bada, main pala and bada hua, and now they are, one of them is in Qatar, the other one is in Muscat. And these guys used to party, these guys used to drink and everything. And it's only in the recent time we have our groups, we have our Facebook groups, WhatsApp, Vivo. And it is very shocking for me to see how radicalized they have become. Okay? Now, I keep on saying, the reason I said, are these guys together, because again, ghum phir ke Islam pe main aa raha hu. Some people may not like it, but when I was in Bahrain, and I was very shocked to see the Shia-Sunni conflict that happened over there. And it's only then when I started asking them and why, and for me it was a shocker that they hate each other. They hate each other. They don't live in the same building. Forget you know, in the same country or whatever. They hate each other so much. And if you guys remember the
Tunisia conflict, which happened, which was famously known as the Arab Spring. So the Tariq Mohammed, who was a Tunisian street vendor, who set himself on fire on 17 December 2010, which became a catalyst for the Tunisian revolution and the wider Arab Spring against the autocratic rulership, the whole system that happens in the Middle East, that traveled to different parts of the Arab countries. And then in March 2011, a pro-democratic demonstration erupted in the southern city of Deira. I mean, how can we forget that? Inspired by upspring in the neighboring countries against repressive rulers, when the Syrian government used deadly force to crush the dissent protests, demanding the president's resignation, that erupted into huge, and it was telecasted by worldwide. And if you guys remember, the Anonymous also came in that time, because internet, everything was cut. Are these guys together? That's the question. There are many times we know we can go back to the Crusaders and the Holy Land, it's fight of the Holy Land. But I don't think it's like that. Right now, this thing that has happened is it's a mixed bag of political as well as a lot of interest of, I might sound very funny, but we know a lot of section in the US are, they love the whole ideology of pushing in war and conflict, because very shockingly, in the entire Trump administration, there was no war, there was nothing. And there were friends of mine from America who were saying, these guys go. And I'm not able to remember, Karmik, can you remember this couple of, I think last month or something, there was some bombing that happened, and there was a thing of Kamala Harris on the phone. She stood by it. And that was a sign itself that a section of the US is also going to push, the present administration to be precise, they're going to push for a war. I mean, they're going to say they support, but from the back end, I see there is, they want conflict to happen. Right. Karmik, where it goes, where it takes, I don't know. Karmik, before you react to this, I think the crux of the question was whether they are united or not. One thing that I want to add on before you react to it quickly is, when it comes to them versus the world, they are very united. That's my understanding. But when it comes to them between them, they are not united. That is, there is a given fact when Shia, Sunni, Ahmadiyya wagera example. Now, one thing that I want to add yahan pe, because he said Trump ke dauran ek bhi koi war nahi hua. Surprisingly, Narendra Modi ke 2014 se leke 2021 tak mein bhi kuch nahi hua hai. But gali ke bhi chalti rehti hai. Dusra ye, one thing that I want to understand, maybe a little more liberally or like a, maybe a pseudo secular tarike se, maybe Karmik, if you want to add on with this point yahan pe. आप हिंदू बोलो तो आप कट्टरवादी, और हम बोले तो हमारा मजहब हमारी अभिव्यक्ति की आजादी. Can do these everything, these ideologies, these different ways of looking at different religion, pronouncing or identifying themselves, they play a major role eventually when it comes to taking decisions. I just want to add one more thing again to the same point on their equality. How are these guys equal? Have they even raised a word when the Al-Bukharus and the so many terrorists all over Africa convert to Islam? Have these guys uttered a word when whatever is happening to their own community people in China? When a whole set of, say, I don't know, nearly 1.5 or 2 million, maybe more Rohingyas, when they were displaced from Myanmar, earlier known as Bhutan, and from Bangladesh, how many Islamic countries accepted them as refugee? None, not a single one. But at the same time, we are seeing in Europe, when they are being accepted, like the Belgians and blah, 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 we see what they are doing to their country who have given them shelter. So I think it's a mixed bag of political, or hamare Bombay bolte na pedit hai, dadagiri hai, ya hamara land hai, ja nahi denge. So it's a mix of all that. And it's very sad to see that so many educated people itself, they get radicalized and then they straightly go for that. Please continue, I'll come back. Okay. Yeah, one thing, Freeze, I want to just correct you factually. It was earlier not known as Bhutan, but Burma. But notwithstanding that, Burma, sorry. What I want to highlight here is what
Sandeep Style Rug just said, you know, because the unity is amongst non-kafirs versus kafirs. It doesn't matter ki unke andruni jat paat mein kitne parivarik klesh ho rahe hain. It's like us against the world. When it is us against the world, they present an absolute united front, you know. ठीक है, अब ये जो चीज आप बोल रहे हो ना कि शिया सुन्नी अहमदिया उइगर और जितने भी मतलब उनके उनके सेक्ट्स हैं और सब सेक्ट्स हैं, ये हिंदुओं में भी है. ठीक है, ब्राह्मण और शूद्रों में आज जुगाद से विवाद चलता आ रहा है. आज की तारीख में यूपी में, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस स्टाइल रग, बट आज की तारीख में योगी की सबसे बड़ी जो खामी है वो है कि ठाकुरों और ब्राह्मणों में जो वो एक कास्टिज्म है, जो विवाद है, वो उसे नलिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि वो एक खुद ठाकुर है और वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है ठाकुरों को. एंड ये दिस इज एन एक्चुअल पॉलिटिकल एजेंडा जो बन रहा है यूपी में, जिसके ऊपर 2022 का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. तो ये हर क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखो तो रोमन कैथलिक्स आर अगेंस्ट प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स आर अगेंस्ट बिलीवर्स, बिलीवर्स आर अगेंस्ट थियोडिस्ट्स, थियोडिस्ट्स आर अगेंस्ट मेथोडिस्ट्स, मेथोडिस्ट्स आर अगेंस्ट पेंटेकोस्टल्स, पेंटेकोस्टल्स आर अगेंस्ट न्यू लाइफ. तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जब कन्वर्ट करने की बारी आती है तो साले सारे के सारे एक साथ होते हैं, हाँ भाई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, यू नो. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम एक्चुअली हिंदुओं की है, वेयर वी आर अनएबल टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट, एंड वी हैव बीन नॉट यूनाइटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. आई एम टेलिंग यू दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम. इसीलिए तुर्की आए और हमारी मार के गए, मंगोल आए हमारी मार के गए, मुगल आए हमारे ऊपर रूल करके गए, और जो 200 साल जो ब्रिटिश आए उन्होंने भी हमें, हम वी वर ऑलरेडी डिवाइडेड. आप मुझे बताओ ना, अगर इफ सच अ लार्ज कंट्री, इफ वी वर यूनाइटेड एंड वी डिड नॉट, बिकॉज इनिशियली पहले 100-150 साल तो कोई लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने हमारे ऊपर हथियार नहीं यूज किए, दे यूज बिजनेस टू कंटिन्यू द डिवाइड विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. सो वी आर अ डिवाइडेड क्लैन. लेट्स नॉट थिंक कि भाई सनातन धर्म और हिंदू धर्म और ये और वो, और हम फैक्ट्स को भूल जाए. बट इस्लाम ऐसा नहीं है. इस्लाम में शिया और सुन्नी, वेन इट कम्स टू अगेंस्ट बींग अगेंस्ट द काफिर वर्ल्ड, दे विल ऑलवेज बी यूनाइटेड एंड दे विल प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट. Yeah, I mean, the best example I could give in the present times is it really shocks me to see the people who really follow, we follow, all of us, the Nitin Shuklas and the Sandeep Deos. And now we see, we are reading, there's been a slight conflict between even who Sandeep you get? Gaurav Pradhanji, okay? So even now, Gaurav Pradhanji has a different point of view, a slightly different point of view in terms of what's happening with the RSS, what's happening with the, you know, the Hindu front, or what's happening with BJP in terms of even Yogiji. So it's, yeah, it's we Hindus, definitely, we also have to get together. But again, my simple way of putting is whatever happening in this Israel-Palestine is instigated, yeah. It's instigated, that's all I want to say. Right. It's a mixed bag of instigation. Okay, Freeze, thank you so much. I'll go to Sunil sir ek bari bada quickly. Sunil sir, kya haal hai sir? Ji, theek hai. Okay. Well, jo usi ke point ka add karunga ki ye abhi kaun hai? The Freeze naam ka. Main issue hai ki the problem is not only even that, the problem is we Hindus still consider the division of caste and all those. नहीं तो अभी भी दलित का, नहीं तो देखा जाए कि अभी भी अगर आप देखोगे दलित फाउंडेशन कर रहा है. प्रॉब्लम इज जब तक हिंदू हिंदू नहीं रहेगा वो डिविजन रहेगा. इवन अभी मैंने इवन आई थिंक यूपी के इलेक्शन में बोल रहे हैं, यूपी है किधर है, ऑलराइट, व्हाट दे आर प्लानिंग इज दे आर ट्राइंग टू मेक जट्स एज सेपरेट कंपेयर टू जट्स आर ऑल्सो हिंदू, बट जैसे जैंस भी हिंदू थे बट दे गॉट सेपरेटेड. Dalits also somehow like this thing happened. Now, even now they are targeting the judges as that kind of thing in next UP election, if I'm not wrong. That's what the this thing, Mayawati hai na udhar, ya kon hai UP mein? UP mein kon hai? Mayawati hai, kon hai? Dusri lady. Oh,
मायावती मायावती इज फ्रॉम बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और आज की तारीख में लेकिन उसका कुछ अस्तित्व नहीं है बट हाँ आज एक ट्रेंड हुआ था वेयर शी इज बीइंग कॉल्ड बहनजी एंड ट्रेंड है बहनजी वापस लाओ वही अभी एक्चुअली यही प्लान है अभी अभी से वही थिंग ये लोग अभी से शुरू कर रहे हैं ताकि यूपी में फिर से वो वैसा डिवीजन हो इवन बंगाल में भी ऐसे ही हुआ ना अब देखा जाए तो यूपी में भी वही होने का चांस है ये एक है एनीवे तो ऑफ टॉपिक हो गया था कोई बात नहीं सर मेन तो खैर वो तो मेरे को एक्चुअली एक अभी एक जैसे जैसे फ्रीडम ने बोला था यूएस का कि जब ट्रंप के टाइम कोई वॉर नहीं हुआ इनफैक्ट उसने क्या किया मेन UAE, Israel और UAE, Qatar और GCC countries के बीच में he actually tried to bring peace somewhere. लेकिन अभी आप ये सोचिए, वो गया, Biden आया, April में एक news निकला, Biden restores $200 million US aid to Palestine. और अभी इसके एक महीने बाद ये attack शुरू हो गया. वो भी 6 महीने के अंदर. So something has to be done. बोली बोली समथिंग इज या वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से अभी अगर ऐसा चल रहा है तो थोड़ा बेल स्टोरिंग होगा क्योंकि अगर आप देखो कि जनवरी में कमला हैरिस ने क्लियरली बोला था दैट वी फॉर अस पाकिस्तान इज अ फ्रेंड वी विल कीप अ वॉच ऑन द कश्मीर ह्यूमन राइट्स इशू राइट तो डजंट दैट रिंग्स अ बेल दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ देयर आल्सो ये लोग वही करने की कोशिश Sunil, I just want to factually correct you. In April, the news which had come was that, see, you have to understand the Palestinian aid from the US has been going for the last 25 years across all governments, whether the Democrats or the Republicans. Right. Okay, this was started during the Clinton regime and it continued to go on till Trump was there. When Trump came, he stopped that aid. In April, on April 7th, 2021, there was a news which was floated across all media where in a press conference in the US Senate, Kamala Harris and Biden, both of them had given a joint statement that they will be considering to restart the $250 million aid to Palestine. Yeah. Okay, wo start karne ki soch rahe hain, April 20, but abhi tak shuru hua nahi tha wo. Nee, but they said that they will restart the aid of $225 or $250 million. I don't know exactly. But अभी तक वो शुरू हुआ नहीं. Okay, but article तो एक आया हुआ है that Biden restores $200 million aid from कितना है to Palestinians slash by Trump. ये news article ये इसका आया है The Guardian में आया हुआ है. इसलिए it came in around April 7th. Yeah. So that's what the news says that they will restart the aid, but the aid had not reached yet on April 7th. They just made the statement कि हम शुरू करेंगे भाई तुमको मेरे ख्याल से 250 या 225 ऐसा कुछ था मिलियन डॉलर्स का पैसा जो देने वाले. Yeah. Okay. चलिए सुनील सर थैंक यू सर आने के लिए राहुल डू यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रैपिंग Yeah, sure. I just wanted to add and then ask Karmik as well. So we are seeing now when you are talking that, you know, about the US intervening, clearly the EU looking from the protest which is happening in Berlin across European cities, it seems that they are supporting Palestine over the Jews. Okay, so this in a way seems like an EU versus US thing. And if US, as you said, has said that they're going to support Israel, okay, so EU mein we are seeing different countries like Germany. Aisa lag raha hai Germany, and because Germany still has this neo-Nazi population, you know, that's come out in Berlin and supporting massively in favor of the Palestine. London fund sab jagah ho raha hai. Theek hai. My question to you, Karmik, is that from India's perspective, okay, now we still know that India has good Israel ties, defense ties, and everything. But what should India's perspective be? Because if you come to think of it, factually, last year when the Doklam issue happened with China and us, Israel didn't say anything. You know, I mean, see, I'm coming from a PR background. So
the verbiage was very different. There's something called condemning and something called concerning. Most of the world leaders said, we're very concerned with the issue, but no one condemned China. Okay, that's also because everyone has got their trade ties with China. China trades a lot with Israel as well. We all know that. I mean, Gulf mein toh sara sab kuch China hi export karta hai. So my question to you is two questions. What is India's standpoint? Secondly, from the media perspective, why is it that the Indian media is just showing one side of the story and not the other side of the story? What do you mean by one side of the story? One side of the story basically about how Hamas is attacking the Israeli, Hamas attack on Israel. So it seems that they're taking Hamas, a very soft. Because Hamas attacked Israel. That's the truth. That's the fact. Of course. Wo hai. But no, he's talking from a PR. He's talking from a PR point of view. I understand. See, you know, what happens is, ek hoti hai kathni aur ek hoti hai karni. So one is your verbiage, where your PR machinery comes into place, and nobody better than you will understand this. And one is the actual ground zero reporting, which is the actual action that takes place. Okay, so you must understand that India's, what should be India's standpoint? That's your question, right? If I got you correctly. Yes. On the verbiage front, on the PR front, what goes out in media, there should not be any kind of one-sided statement that should come out of from the External Affairs Minister or the Home Minister or the Prime Minister of the country. So there shouldn't be any official one-sided statement. And I think the government is doing a fab job because they have restrained their comments and they have only expressed concern and they have not taken any one side. Okay, this is exactly what the rest of the world did during China as well, and during Kargil as well, and during Kashmir as well, and during 1984 riots as well, during East Pakistan getting changed into Bangladesh as well. So we should also continue doing that. But in terms of actual action, okay, which I am with highly placed sources, which I am not at liberty of quoting. I know this as a matter of fact, that Indian aid has already reached Israel. Indian intelligence is already sharing information and intelligence and data with the Mossad. Indian bureaucracy and diplomacy is completely with Israel, and we will continue to show that kind of solidarity between the governments outside the purview of media. So unfortunately, Rahul, you'll not get a lot of cheesy and a nice headline, you know, to go and talk about. But trust me, that work is already happening. And this is the best strategy to take it, because the minute you go and say it on ground or in front of the media that no, Israel is wrong, is right, and Palestine is wrong, you are seen as a right-wing nationalist, which anyway, this government is accused of being, you know. So what they are doing is absolutely fine. The second question that you asked is that, is it becoming a EU versus, what was it? Sorry, EU versus US, right? Yeah, EU versus US. We are seeing that a lot of people are coming out in support of Palestine in Europe and all that. And I'm talking about even white Europeans in different countries, in these countries, yes. Yeah. See, you are seeing what is being shown to you, Rahul. And that is the apathy of media, because it is so ironic that, see, for example, in Mumbai, every year they show that Mumbai is flooded and we are going to die and we are going to drown. Okay, because I stay in Mumbai. Apart from the 2005 deluge, there has never been a flooding in Mumbai, which is to an extent which is shown in media. So media will always amplify 10x, 20x. Secondly, I work in the media, right? And I, both Sandeep and I, have been a part and contingent of various media houses over the past 15 years. Me, 15 years. Sandeep, I think about 10 to 12 years. There is a narrative and an agenda that every media house also has. Okay, whether it is commercially propagated, whether it is because ideologically they feel and they think that it is something that they should be supporting. So they will show you that only. My request to you is, if you really want to understand the sentiment of what is happening on ground in Europe, you should be not just looking at the BBCs and the CNNs and the Al Jazeeras and the RTs and the DNs of the world, but you should actually try to follow social influencers
in those countries. Okay, and you should see what is happening on the Twitter walls and the Facebook walls of that particular contingent and community, and what do they actually feel. Apart from social media, you should also look at local news channel, because local news channels are not governed by nationalist and internationalist agendas. So you will also see that there will be a more balanced approach, or maybe a completely different approach from what is being shown in the BBCs and the CNNs of the world. Because trust me, my friend, PR is not the only one which is governing the mouthpiece. You know that you actually work in an industry or in a department of a media industry where you feed information and news to the news house, right? But somebody has fed it to you, Rahul. Some corporate, yes. Some national, yes. Some client of yours has fed it to you, correct? Yes. Yes. So but, this is a part the media, of the media. So the media also does the fact checkings as well. I mean, and it's all the media they are governed by an editorial policy, you know, and a fact checking is done. That's actually the journalism which should be done, I think, which is done as well. I mean, so if I send a press release for my client to a media house, say, for example, to an Economic Times. Okay, so that concerned person, that journalist will not blindly, print it. They'll ask questions back and they'll obviously do their fact checking and then, publish it. So, I mean, are you questioning the credibility of these media houses per se? I mean, BBCs and CNNs or anyone for that matter? Yeah, so just 30 seconds back, you sent something to Economic Times, which is a press release sent by your client. Yes. Did you add $300 million to that press release? No, I didn't add. I didn't add any money. No, my friend. Then see, you're missing the point. If you're not going to add the money power behind it, see what happens is you send a press release to ET. ET is going to do its fact check. You send the press release with $300 million. ET will say that, hey, listen, let me take a soft stand. I can't go completely against. I cannot go completely pro. Okay, but since you're giving me $300 million, okay, I am going to be looking at it from a point of view where neither am I going wrong on facts, but I'm trying to fulfill the agenda that you have, even though it is not factual. And this is not just because you've taken the name of ET. So therefore I'm continuing with the name of ET. This is true for all media houses across the world, because eventually everyone has to pay bills. Ye Wi-Fi jis pe hum itna debate kar rahe hain, iska bhi bill aayega mujhe har mahine ki 7 tarikh ko. Fair enough. I got your point. Okay. ठीक है. On that note, Style, I'll leave. Karmik, excellent talking to you. I mean, great points, and hope to see you again in this platform again. Style, thanks a lot for giving the platform and great topics to you introduce and we talk about. Thank you. Thanks, and I shall see you. Thank you. Okay, I'm going to ask you one last question. Okay, maybe with that you can give me your closing comments now. It's related to what Rahul was saying ki Doklam pe Israel kuch nahi bola, and people were condemning or not coming, other countries were condemning and ki situation pe hum nazar rakh rahe and all those things. What I think what people need to understand thoda sa ek open mind ho ke rationally or logically. Okay, he got disconnected. Maybe internet ka bill nahi diya mere khayal mein 7 tarikh ko inka cycle hota hai, but I don't know. So I'll wait for him to come back before I ask my question to him, because it's actually a question directed to him. It's not a statement. So to leftist razzle culprits, ye to insaan ko pagal banane ka agenda hai. Aise hi keh rahe hain Sana ji, I agree with you. Brilliant insertion keh rahi hain ek karmic, agar aap sun pa rahe ho mobile mein ya kisi chiz mera yaar main mobile se aaya hu, mera actually मैं इतना मग्न हो गया कि ये लैपटॉप की जो बैटरी है वो डाई ऑफ हो गई. सो आई एम रियली सॉरी, आई लॉस्ट यू व्हाटएवर यू सेड. मैं इसीलिए बोला नहीं, आई वाज बीटिंग अराउंड द बुश कि यू विल कम बैक एंड आई लॉस्ट. सो मैं ये कह रहा था कि पीपल एट टाइम्स डोंट सी द लॉजिक्स बिहाइंड हाउ गवर्नमेंट्स वर्क, बिकॉज़ अगर
लोग पहले ये कहते थे कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, मोदी ऐसा है, इस एक्सपेक्टेशन थी, बट दे डोंट सी द साइलेंट अप्रोच और द नॉन रिएक्टिव वे द वे ही रिएक्ट्स टू थिंग्स, व्हिच इज अगर इसराइल ने डोकलाम पे कुछ नहीं बोला तो इंडिया ने भी ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है इसराइल और फलस्तीन के मैटर के ऊपर. इवन इंडिया इज प्लेइंग वेरी डिप्लोमेटिकली वेरी शूट गेम यहाँ पे, अदरवाइज अभी पप्पू होता तो अभी उछल रहा होता, पता नहीं कुछ ना कुछ बोल रहा होता वो. पॉइंट नंबर वन, व्हेन जस्टिन ट्रूडो केम कपल ऑफ इयर्स बैक टू इंडिया, because of his known association with the Khalistani angle and Khalistani groups in Canada, India ka pradhanmantri nahi gaya tha usko receive karne ke liye, ek koi chota minister gaya tha, if I'm not wrong, someone can correct me if I'm going wrong yahan pe, no disrespect to the minister, but koi low level ka koi minister gaya tha usko receive karne ke liye. So that was the direct message to Justin Trudeau ki bros, get in line, otherwise get lost. So do you think people need to respect and understand how international policies are documented, played around, and even by not reacting, you are actually giving a reaction, and respect your country a little more instead of hamesha religion ke piche, or especially to an appeal to everyone from all religions, chahe wo Muslim ho, Christian ho, Sikh ho, Parsi ho, jo bhi ho, ki your country is India. Agar aapka religion ke saath aap yahan pe achhe se reh rahe ho, even being a minority, that should be your only concern. How are you bothered with ki Iran mein kya ho raha hai, Iraq mein kya ho raha hai, kiske conflict kya hua, kyunki agar that is your point of contention, then you should also criticize Pakistan for vanishing the Hindu population from Pakistan. Literally aap us pe kuch nahi bolte, aap China ke upar koi Muslim desh, Pakistan ya India ke Muslim pe koi nahi bolta wahan pe, kaise ek province ke andar basically कैद करके रखा हुआ है सारे मुसलमानों को. सो डोंट यू थिंक कार्मिक, इन योर क्लोजिंग कमेंट कनेक्टिंग विद इजराइल का थिंग, कि पीपल नीड टू राइज अप अबव रिलीजन, मे बी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द कंट्री दे आर पार्ट ऑफ, बी द कंट्री मैन कंट्री वुमन फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट द रिलीजन लेटर ऑन, क्योंकि इवेंचुअली इफ दिस इज योर मदर लैंड, दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट यू वांट टू हैव, पीस, फैमिली, मनी, हेल्थ, व्हाटएवर द हेल यू वांट. No, absolutely. That should be the case. But unfortunately, the thing is that, you know, the thing about silent reaction that you were talking of, a lot of people are not overexposed or decently exposed to understand what happens behind closed doors. And unfortunately, because people like you and me have observed, we are silent observers, but we are also not fools who are just looking at one narrative. Okay, we do have the sympathies towards what is happening in Hamas. In terms of Palestinians being killed, but more than that, the fact remains that what is happening in Israel is way bigger and way indiscreet, you know, because nobody is giving, Palestinians are not giving them, or Hamas is not giving them a warning that we are going to be launching about 1,000 rockets, please vacate this area. On the other hand, Israel is giving them that kind of a warning that in 1 hour's time we will be eradicating and dilapidating this building. So people don't understand this because they have not taken the effort to actually go and research that has such a warning been issued by Israeli military. They just see that, oh, so many number of people have died in Palestine. I agree that the number of people that have died in Gaza are way more than the number of people that have died in Israel. But who's to blame for that? Is Israel to blame for that? No. Unfortunately, the same thing happens in India as well. If you have one person from the minority community or 10 people from the minority community who are being lynched by Gau Sevaks or Gau Rakshaks, okay, we condemn it. All Hindus, unequivocally, vociferously, we condemn it and we say that it is wrong. But when the same thing happens with 30 Hindus, okay, meted out the same crime committed by, say, a group of 400 Muslims or other minority community, doing it on hundreds of Hindus, okay, nobody comes out to condemn it. Nobody says anything. Why? Because we feel that, you know, this is bound to happen. And if the minority has done it, then there must be a reason. So ye to wahi baat ho gayi ki bhai aurat aadmi ko mare ya aadmi aurat ko mare, galti hamesha aadmi ki hai. You know, and this kind of philosophy and this kind of pseudo secularism or liberalism, or, you know, trying to give the kind of impetus to minority community which they did not deserve, or they give the benefit of doubt to the minority community, which is absolutely wrong, okay, is very, very scary. It is not just seditious or downright anti-nationalist, but it is also against your own existence. And you must understand this.
And I'm not trying to say that, you know, you have to retort to violence. No, you just have to be evolved enough and learned enough to comment. Or please do not join the bandwagon. For example, when Black Lives Matter came out in the open from the US, that hashtag, I did not support it. I have a problem with the very hashtag. Black Lives Matter means the other lives don't matter, is it? The other lives also matter, right? Whether it is white, whether it is red, whether it is Hindu, Muslim, Parsi, Jews, all lives matter. So why only Black Lives Matter, and why does it have to become such a huge slogan? And why are you forgetting what that black man was doing? Yes, what the cop did was wrong, but did he go and do it to somebody who was absolutely right? No, that black guy was also involved in crime, and he got not what he deserved, but he got something which he did not bargain of, and he did not think that it will go to such an extent, but he was not doodh ka dula hua bhai. So people need to learn more. They need to educate themselves more. And once those facts reach their brainwaves, they will automatically make the right stand, because I genuinely believe in humanity. I genuinely feel that people are intelligent by nature. We are the most intelligent species, right? We are not dumb. We are not stupid. Just that we are lazy. बस हमें कोई एक चीज दिख रही है उसके पीछे हर्ड मेंटालिटी की तरह भागते रहो. अरे उसके अंदर घुस के देखो तो सही, अगर टाइम नहीं है तो चुप बैठो, और अगर टाइम है तो घुस के देखो फिर कमेंट करो. चलो, 3 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चला. हालांकि आप तो 1.5 घंटे बाद आए थे, तो आपके लिए 1.5 घंटा हुआ है, मेरे लिए 3 घंटा हुआ है, 3.25 घंटा हुआ है एक्चुअली. बट कार्मिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अगेन. आई थिंक पीपल हु एक्चुअली इनिशियली यूज्ड टू हेट यू हैव फॉलन इन लव विद यू. They already say karmic ke sath ab regular karo, karmic ke sath regular karo. So all thanks to me for giving you an image makeover on my platform, and from a guy being hated to from a guy who is loved now, credit goes to me. मेरे सुशांत के ऊपर views अभी भी change नहीं हुए हैं style रख. अगर तुम सुशांत के ऊपर debate करोगे तो फिर से लोग मुझे hate करने लगेंगे, because I know your followership is pro Sushant's murder, but my fact point in the other direction. चलो किसी दिन उस पे करेंगे तो आपको बुलाएंगे, एंड मे बी दैट विल बी द डे व्हेरिन एवरीवन हु इज सेइंग वी लाइक कार्मिक इज गोइंग टू चेंज देयर ओपिनियन वन मोर टाइम, एंड मे बी वी विल हैव सम कुछ भी मोमेंट्स, एंड यू नो कार्मिक कहां ठीक है. बट थैंक यू सो मच कार्मिक गिविंग सच अ लेंथी अमाउंट ऑफ टाइम फ्रॉम योर लाइफ. आई नो आप बेबी शावर से मिठाई खा के आए हो, so please go ahead, digest it, and I'll connect with you. We'll work on something again in the coming future. Sure. Thank you, Style Rug, and thank you everyone who joined in. Thank you so much. This guy is amazing. Please show a lot of love to him, because I know that he is genuinely great at heart, and he makes an effort to bring the facts, and not just, you know, talk out of an agenda, which a lot of YouTubers do. So please show a lot of love to this guy. He's amazing. This was not paid PR. This was genuinely coming. This is a genuine compliment of paid PR, my fool. But anyways, thanks, Kavik. I'll message you. We'll connect and I'll get a plan. Take care. See you, man. Take care. Good night. Take care. Good night. Okay. That was him. That my face of that was paid PR. He was just saying what he said. But anyways, lengthy session. I thought I'm going to keep it an hour after my monologue. But after that, Bharat came. And then Bharat came. And then Bharat came. And then it went out, and obviously Karmic was planned, and it's nice that he could join. Now, as I told you, I'm going to do one more video. Just queue up. The video is not over. I'm going to do one more video. India connection, India ka role and all those things. So maybe after a couple of days, I'm going to do that. First part ko cut karke, obviously I'm going to use from this video the fact checker, jo maine first 45-50 minutes ka kiya tha, wo main alag se dalunga. Jo log सिर्फ फैक्ट देखना चाहते हैं, हमारी बातें नहीं देखना चाहते, और सिर्फ उनको देख के कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, देखेंगे. आई होप जो भी चैट रूम में थे फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी, दे वर नॉट ऑफेंडेड, बिकॉज यू डोंट हैव टू गेट ऑफेंडेड. जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा था उसमें. ऑल यू नीड टू डू इज रियलाइज कि जो फैक्ट है वो हुआ, एक्नोलेज इट, एक्सेप्ट इट, एंड मूव ऑन, बिकॉज लाइफ हैज टू मूव ऑन. इफ यू आर गोइंग टू बी इन योर ईगो ट्रिप, फिर तो भाई मिल गई 72, फिर 72 नहीं मिलेंगी, फिर उसके बाद कुछ और मिल जाएगा. एंड अगर कुछ और नहीं चाहिए, 72 एक्चुअली में चाहिए, तो रिलीजन से उठ के थोड़ा ह्यूमैनिटी के ऊपर ध्यान दो,
अपने देश पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे देश को, दूसरे देश के में क्या हो रहा है उसके साथ फिर अपने रिलीजन को करके भिंडी बाजार में पोस्टर छाप के चलना मतलब दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, जैसे हम कहते हैं सोच बदलेगी देश बदलेगा। तो इस सोच के साथ ट्विटर आईडी अभी जो लोग हैं ये रहा ट्विटर आईडी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पुराना वाला सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ माय एग्रेसिव नेचर। तो स्टाइल रुक सीज जो मेरा नाम है वो उसके आगे SAY स्टाइल रुक सीज के नाम से ट्विटर पर है। होपफुली सम ऑफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट देयर एंड वी कैन गेट इनटू अ हेल्दी कन्वर्सेशन बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी आर हियर टू डू डिस्कस एंड काउंटर विल अग्री टू डिसएग्री बट देन अगेन यू एंड मी वी ऑल आर वन। लास्ट में जैसे मैंने बोला लास्ट में ले जाएंगे आप और मैं। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। जय हिंद।